बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम सच की तलाश के साथ सरदार महताब अकरम आपकी खिदमत में हाजिर है। आज मेरे साथ मारूफ सोशल एक्टिविस्ट अहमद वकास गुराया साहब हॉलैंड से मौजूद हैं। अहमद वकास गुराया साहब, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अस्सलाम, थैंक यू, ठीक बिल्कुल। जेके टीवी के प्रोग्राम सच की तलाश में आपको खुश आमदेद कहते हैं और आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने अपना कीमती वक्त हमारे लिए निकाला। और उम्मीद है कि आज नाज़रीन तक आपकी जो गुफ्तगू है वो लाइव जाएगी और नाज़रीन इस गुफ्तगू के ज़रिए आपसे मुख्तलिफ किस्म के सवाल भी कर सकेंगे। तो सबसे पहले तो आपसे मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा मुख्तसर सा अपना तारुफ करवा दें पाकिस्तान के हवाले से, और कब से आप हॉलैंड में मुकीम हैं, कुछ इस तरह की बातें हमारे साथ शेयर कीजिए ताकि फिर गुफ्तगू का जो है ना आगे बढ़ाते हैं। पाकिस्तान, मैं पंजाब से हूँ और एजुकेशन वाइज अगर मैं कहूँ तो मैंने बायोलॉजी एंथ्रोपोलॉजी पढ़ी हुई है। गुड। वैसे मैं एक्टिविस्ट हूँ, छोटा सा बिजनेस चलाता हूँ अपना, और साथ पाकिस्तान में बेहतरी की कोशिश करते हैं कि किसी ना किसी तरह इस मुल्क को कब्जे से आज़ाद करवा लिया जाए और उसमें हम अपना हिस्सा डालते रहें। और हॉलैंड कब्जा आपने कहा, पता नहीं किसका कब्जा है, ये चले आस्ता सब आगे हम बढ़ते जाएंगे। कब्जा तो पाकिस्तान में पाकिस्तानी फौज का ही है ना। और चले, ये अच्छी बात है कि पाकिस्तान में कब्जा पाकिस्तानी फौज का है, किसी और मुल्क की आर्मी का नहीं है। चले, ये अच्छी बात है। तो सियासी तौर पे आप किस पार्टी के सपोर्टर हैं या किस पार्टी को सपोर्ट करते हैं या कोई ऐसा लीडर जिसे आप पसंद करते हो पाकिस्तान में? यार देखें, हम ना सारी जिंदगी तो हम नजरियाती तौर पे पीपल्स पार्टी के हमायती रहे, पीपल्स पार्टी फौज से जाके बैठी नवाज शरीफ हो गया, वो तो हमारी एक अपनी पोजीशन, हम एक जगह खड़े हैं। तो फौज का सियासी किरदार नहीं होना चाहिए, फौज का जो पाकिस्तान पर कब्जा खत्म होना चाहिए। जो पार्टी फौज के साथ बैठेगी उसके हम मुखालिफ हैं, जो फौज के खिलाफ खड़ी होगी उसके साथ। अच्छा ये बताइए, आपने कहा पाकिस्तानी फौज का पाकिस्तान में कब्जा है वो खत्म होना चाहिए, क्या पाकिस्तानी फौज का कब्जा पाकिस्तान में खत्म होना चाहिए या पाकिस्तानी फौज का कब्जा सियासत से खत्म होना चाहिए? कब्जा सिर्फ सियासत पे नहीं है, पाकिस्तानी फौज पाकिस्तान के चप्पे चप्पे पे DHA बनाने से लेके फैक्ट्रियों तक काबिज है। पाकिस्तानी फौज पाकिस्तान का सबसे बड़ा कारोबारी इदारा है, जो कि गैर कानूनी कारोबारी इदारा है। पाकिस्तानी फौज कोई भी एक इदारा जो टैक्स फ्री रजिस्टर्ड हो वो मुआशरे में बिजनेस कंपटीशन को किल करता है। पाकिस्तानी फौज के कारोबारी मफादात की वजह से पाकिस्तान की मईशत कभी पांव पर खड़ी नहीं। पाकिस्तानी फौज मईशत को डॉक्यूमेंट नहीं होने देती, पाकिस्तानी फौज रिफॉर्म्स नहीं करने देती, क्योंकि और हर चीज़ पे उसकी एक मिसाल देता हूँ। हर पिछले साल इमरान खान की पिछले साल इमरान खान की हुकूमत में इन्होंने चीज़ बनाना शुरू किया, तो इन्होंने पिज़्ज़ा हट के साथ ठेका करना था, कुछ और ये बर्गर शर्गर वाले फार्म के साथ ठेका करना था पाकिस्तान में। इन्होंने इमरान खान से कहा कि बजट में टैक्स लगवा के चीज़ की दरामद पर पाबंदी लगवा दी और उनको मजबूरन फौजी से लेना पड़ा। तो ये कारोबार नहीं कर रहे, ये अपनी प्रोडक्ट्स जो गन पॉइंट पे बेच रहे हैं मेरा भाई। तो ऐसा कौन सा कारोबार है कि जो आपको गन पॉइंट पे कहेगा मेरी प्रोडक्ट खरीदनी है? तो उससे फिर अच्छा ये बताएं आपके पास ये सारी खबरें पहुंच कैसे जाती हैं, कहां से आ जाते हैं, क्या रिसोर्सेज हैं आपके? देखिए, हमारी कोशिश तो यही होती है कि हम पढ़ते रहें, हम चीज़ों को देखते रहें, चीज़ों को समझते रहें। मेरा नहीं ख्याल किस चीज़ के लिए कोई रिसोर्सेज चाहिए कि DHA कहाँ पर बन रहा है, करप्शन कहाँ पर हो रही है, फातिमा फर्टिलाइजर इन्होंने मुफ्त ले ली है, ये शुगर मिलें कैसे चला रहे हैं, या जैसे मैंने आपको शुगर मिलें तो सियासतदानों के भी हैं। तो ये भी देखें, एक सरकारी मुलाजम जो मेरे टैक्स के पैसे से पलता है, ठीक है, और आमतौर पर फौज में गरीब भरा बच्चे जाते हैं, जो मेरे टैक्स मेरे पैसे से पलता है, क्या सरकारी मुलाजम को पाकिस्तान का आइन कारोबार करने की इजाजत देता है? सियासतदान को तो देता है। चलें ये बात ठीक है, मान लेते हैं आपकी कि जी सरकारी जो मुलाजमीन हैं उनको जो है कारोबार की इजाज़त नहीं है, लेकिन ज़िंदगी गुजारने के लिए उनको शायद पैसों की ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो इस वजह से वो यहाँ वहाँ हाथ मार लेते होंगे, कह सकते हैं आप। लेकिन कारोबार करना कोई जुर्म भी तो नहीं है, ये भी शायद आप क्यों कह लें कि पाकिस्तानी फौज जिस तरीके से कारोबार कर रही है उसमें कुछ तदादात होंगे, कानून में सिकम मौजूद होंगे, लेकिन क्या पाकिस्तान की जो फौज है, जो DHA का आपने नाम लिया, जो मुख्तलिफ इदारों के नाम लिए, तो उसमें बहुत सारे दूसरे सिविलियंस को भी तो आखिर रोजगार मिलता है, तो क्या ये एक अच्छी प्रैक्टिस नहीं हो सकती?
तो भाई फिर अगर तालिबान भी किसी इलाके में कलोनी काट के गन पॉइंट पे कब्जा लेके जमीनों पे कलोनी काट दें, उसमें भी लोगों को रोजगार मिल रहा है, घर मार रहा है, वो भी जायज हो जाएगा। देखे ना, ये एक कब्जा माफी है जिसके कारोबार का बुनियादी जवाज ही गलत है। ये तो ऐसी है जैसे मलिक रियाज घरों पे जमीनों पे कब्जे करता है, खानदान कत्ल करके कलोनी बनाता है, बाद में वहां बड़ी सारी मस्जिद बनाता है और एक लंगर खाना चला लेता है। ये देखे ना, गैर कानून। मलिक रियाज साहब ने भी तो खैर सारी फौज ही साथ रखी हुई है, तो बात है कि सारे मिलके फौज के साथ मिलके जो भी है, लेकिन जवाज ये है कि फौज जो कारोबार कर रही है, आप कभी डीएचए के पढ़ना शुरू करें ना, आपको पता चलेगा लाहौर में जनाब वो जमीन जो है वो 250 रुपये 700 रुपये मरला से दी जाती है, गन पॉइंट पे लोगों से जमीन कब्जा करके 10 से करवा लिए जाते हैं, बाद में वो जमीन 1.5 करोड़ रुपये मरला बिकती है। ठीक है, ना पैसा सरकार को जा रहा है, ना टैक्स जा रहा है, ना कुछ। और डीएचए बनाया कैसे जाता है? डीएचए बनाया जाता है मरने वाले फौजियों की और रिटायर होने वाले फौजियों की फलाह बहबूद के लिए, उनकी पेंशन के लिए, हमसे मुफ्त गन पॉइंट। वो जो 250 रुपये हैं वो भी सरकारी टैक्स से जाते हैं, वो भी नहीं कि फौजी खुद देते हैं, वो ज़मीनें उनके नाम पर लेकर बाद में वहाँ पे अरबों रुपये की प्रॉपर्टियाँ डेवलप कर दी जाती हैं। और क्या आप मुझे बताएं, आपका भी आप पाकिस्तान रहते हैं, आप मुझे ये बताएं कि क्या डीएचए में वो जो फौजी हैं वो रहते हैं? फौजी तो उसी डीएचए के घर के बाहर 12,000 रुपये गार्ड है यार, जिसके नाम पर वो प्लाट बना हुआ है, जिसके नाम पर वो कॉलोनी बनी हुई है। नहीं वैसे नहीं, आपने बात जहाँ तक की, मैं बहुत सारे ऐसे फौजियों को जानता हूँ जिनकी डीएचए में जो है ना अलाटमेंट्स हुई हैं, उनमें से स्पाई से लेके सूबेदार मेजर तक के रैंक्स को मैं खुद बताते खुद जानता हूँ। हाँ ये है कि उनकी तादाद बहुत कलील है, ठीक है, और उनके पास जो वहाँ पे प्लॉट्स हैं वो बहुत छोटे साइज के हैं, तो ये तो कैटेगरी वाइज वहाँ पे उन्होंने कुछ किया हुआ है। लेकिन ये है कि आपकी बात बिल्कुल बजाय कि वहाँ पे बड़े जो फौजी हजरात हैं, बड़े ओहदेदार हैं, उनका ज्यादा कब्जा है, या आप कह लेंगे कब्जा माफिया कह लें। और फिर मैं उसको डीएचए में रहता नहीं है, उस बेचारे को अगर किसी के पीछे से घर में कोई जमीन शमीन होगी तो वो घर बना लेगा, वरना उसे वही कोर कमांडर या अफसर ने वो प्लाट उसको 1,00,000 का दिया है, 15,000 का गवर्नमेंट से खरीदा है, उसे 2,50,000 का वापस खरीद लेना है, और उस गरीब ने आदमी ने उसी घर के बाहर चौकीदार लगना है। इशू है मेरी साइड से भी और शायद अहमद वकास कुराए साइड की सब की साइड पर भी, यानी इस वक्त नेट का इशू है, हम कोशिश करते हैं कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए। तो नाज़रीन इकराम, आज इस वक्त मेरे साथ मौजूद है मशहूर सोशल एक्टिविस्ट अहमद वकास कुराया। ये उन 5 अफराद में इनका नाम शामिल था जो 2017 जनवरी में गायब हो गया। जी तो नाज़रीन इकराम, हमारे साथ इस वक्त मौजूद है अहमद वकास कुराया। सब कुछ इंटरनेट के इश्यूज की वजह से सर्विस ख़त्म हो गई थी और दोनों साइड्स पर, तो अभी हम दोबारा ऑनलाइन हैं, मौजूद हैं। अहमद वकास साहब, कोई प्रॉब्लम आ गई थी शायद इंटरनेट में मेरी साइड पे भी और आपकी साइड पे भी, मेरे तो भी पा दियो नाल। पता नहीं जी, मेरी साइड पर तो प्रॉब्लम थी, लेकिन आपकी साइड से भी स्क्रीन गायब थी, तो चलें गुफ्तगू का वहां से ही शुरू करते हैं जहां से टूटी थी। तो आप बात कर रहे थे डीएचए के हवाले से। जी नहीं, मैं बात ये कर रहा था कि देखें, हम से कोड़ियों के भाव जमीने लेके जरनैल अरबपति हो जाते हैं। मैं पाकिस्तान की सियासत में कोई सियासतदान नहीं जानता, लिटरली कोई ऐसा नहीं जानता जो एक बिल्कुल गरीब मजदूर घराने से आया हो
और वो खरबपति हो गया हो, जैसे मुशरफ हुआ, जैसे कियानी हुआ, जैसे आसिम सलीम बाजवा हुआ, जैसे रहील शरीफ हुआ, जैसे शेख रशीद हुआ, शेख रशीद तो कोई खरबपति नहीं है, खरपते होंगे नहीं है। करोड़ों है उसके पास, देखें करोड़ों पति तो वो है, लेकिन जिस तरह इनकी फैक्ट्रियां असासे आसिम बाजवे की 100 कंपनियां मिली, ठीक है, लाहौर में मेन बुलेवार्ड पे गुलबर्ग में ऑडी का शोरूम रहील शरीफ के बेटे का, ठीक। अब बड़े बड़े इंकशाफात कर रहे हैं आप। देखना, जो ये बताएं कि मुशरफ का बाप एक सरकारी मुलाजम था और वो खरबपति है, और उसका बेटा अमेरिका में महल में रहता है, कमर बाजवे का दादा एक सिपाही था, ठीक है, बाप कर्नल था, और आज वो अरबपति है। किसी को उठाते जाएं, लाइक आप लिस्ट, जो उसका बाप है, जिया का बाप है, वो फौज में मुंशी था, अब उसकी औलाद की देखें, फौज तो एक सोने की कान, और इनके पास पैसा कहाँ से आया? ये पैसा मेरा भाई, मेरा और आपका खून चूस के हमारा पैसा जब्त किया हुआ है, इनके पास कोई पैसा छापने की फैक्ट्री तो नहीं है ना, हमारा हमारे कारोबार अच्छा, के। ये बात बिल्कुल सही है जी, मान लेते हैं ये इनके पास पैसा बहुत आया, सारा कुछ आया। अच्छा, ये पाकिस्तान तकरीबन 72-73 साल से ये चीजें हम देख रहे हैं और हमसे पहले वालों ने भी देखी हैं। आखिर इसका हल क्या सोचते हैं आपके मुस्तकबिल में? जमहूरियत की बात करते हैं लेकिन जब जमहूर आता है और आवाम अपने वोटों से मुंतखब करते हैं या धांधली होती है, जैसे भी आता है, आखिर हुकूमतें तो बनती है ना, सिविलियंस की हुकूमतें बनती हैं, तो वो इनका रास्ता रोकते क्यों नहीं है? मिसाल देता हूँ आपको, नवाज शरीफ आया, पाकिस्तान फाटक की ग्रे लिस्ट में था, नवाज शरीफ ने देख लिया कि कारोबार ये डॉक्यूमेंट्री नहीं होने देते, दहशतगर्द ये पाल रहे हैं, हाफिज सईद खुले फिर रहे हैं, लश्कर जंग भी खुले फिर रहे हैं, तालिबान खुले फिर रहे हैं, इनको खत्म किया जाए। उसने करुण साजी की, उसने प्रॉपर्टी की, उसने गाड़ी खरीदने तक पे टैक्स लगा दिए, बैंक ट्रांसफर पे टैक्स लगा दिए, उसने चीजें टाइट करना शुरू कर दी, ठीक है। आप अगर प्रॉपर्टी खरीद के फौरी तौर पर बेचेंगे आपको टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है। उसने बैंकों पे ट्रांजेक्शन पे सख्तियां कर दी, कारोबारों की ट्रांजेक्शन पे सख्तियां कर दी। जैसे ही नवाज शरीफ ने कानून साजी की, पाकिस्तान फाटिफ की ग्रे लिस्ट से निकल के व्हाइट लिस्ट में आ गया। नवाज शरीफ ने इनको समझाया कि यार बंदे का पुत्र बनो, ये तुम दहशतगर्द पाल रहे हो, हम पकड़ते हैं, तुम छुड़वा के ले जाते हो, क्या कर रहे हो। इन्होंने डॉन लीक्स बना दिया, धरने शुरू करवा दिए। जब उसकी हुकूमत आई है, उसको तो पकड़ के रखा है कि भाई हिलना नहीं है तू, और उसको निकाला, ओ जी पनामा आ गया, ओ जी पैसे खा गया, ओ जी चोर, ओ लुटेरा, साबित तो 1 रुपया भी नहीं कर सके तुम लोग। आखिर में जाकर एक गैर वसूल शुदा बेटे से तनख्वाह के नाम पे उसे नाअहल कर दिया, और जैसे ही अपनी हुकूमत आई, मार्शल लॉ दोबारा लगा लिया। उसके बाद आप ये देखें कि सारे वो कवानीन जो प्रॉपर्टी ट्रांसफर के थे, जो गाड़ियों के थे, जो नॉन फाइलर्स फाइलर्स के कवानीन थे, वो सारे कवानीन वापस कर दिए गए। फौज ने पाकिस्तान को वापस ग्रे लिस्ट में डलवा दिया, क्योंकि पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में रहे तो मुझे आपको नुकसान है, काली मईशत से फौज को तो फायदा है। अच्छा, एक मजे की बात, आपने शुरू में बताया कि आप पीपल्स पार्टी के जियालों में से हैं या पीपल्स पार्टी को पसंद करने वालों में से हैं, उनके सपोर्टर। तो मजे की बात है कि अभी आप नवाज शरीफ साहब के हक में बात करें, तो क्या ये जमहूरियत का हुस्न नहीं है? देखें, ये तो जमहूरियत का हुस्न ही है ना कि हम पार्टी के साथ नहीं खड़े, हम नजरिए पे खड़े हैं। अगर पीपल्स पार्टी फौज के साथ जाके बैठेंगे, मुझसे छोड़ देंगे, नवाज भी बैठेगा, हम अपनी जगह पे खड़े हैं, नवाज बैठ जाए फौज के साथ, मुझसे छोड़ देंगे। लेकिन पीपल्स पार्टी का तो जो नजरिया था, रोटी कपड़ा मकान, तो जरदारी साहब ने आके उसको जो नुकसान पहुंचाया है, आप क्या कहते हैं कि वो सही है? तो देखे ना, इसके इसी वजह से अब हम उनकी हमारे भी तो नहीं करते, तो बखाले भी तो खड़े हैं। हम तो कहते हैं कि जिस पीपल्स पार्टी जरदारी साहब की मुखालफत पे खड़े हैं या पीपल्स पार्टी की मुखालफत पे, देखें एक ही चीज है, फर्क कोई नहीं है। जिस अच्छा, पार्टी को आप क्या समझते हैं कि बिलावल मुख्तलिफ साबित होंगे जरदारी साहब से? अभी तक तो नहीं हुआ। क्या वजह हो सकती है? पाप का असर हो सकता है, पार्टी की नई पॉलिसी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन पीपल्स पार्टी पिछले या वो भी इस अहल नहीं है अभी तक। देखिए, अहल तो उसे साबित करना होगा या करना होगा, लेकिन वो जिस तरह सियासत कर रहा है और जो जैसे उसने आके वापस आके सियासत संभाल के जो चलाया है, वो एक रवायती पीपल्स पार्टी का 70s 80s 90s वाला स्ट्रक्चर लेके चल रहा है। वो खुद नौजवान लीडर है, वो नौजवानों का लीडर बन सकता था, वो प्रोग्रेसिव सोच ला सकता था, मजहब सियासत हर चीज़ में वो ऑक्सफोर्ड से पढ़ के आया, लेकिन
आपने देखा है वो शलवार कमीज पर हुआ टेढ़ कट के फिर रहा होंगे, एंड ही ऑप्टेड टू बी द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ दैट ओल्ड स्टेटस को, ही डिड नॉट स्टैंड फॉर द पीपल। और मरियम बीबी के बारे में क्या कहते हैं, क्या वो नवाज शरीफ साहब की जो का जो नजरिया है इस वक्त वोट को इज्जत दो, क्या इसको वो लीड कर पाएंगी, या पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट का नाम हम ले लेते हैं, क्या वो पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट मरियम बीबी को आगे आने देंगे इस नजरिए के साथ? एक बुनियादी बात समझे, आप कश्मीर से हैं, चाहे आपके पीपल्स पार्टी के साथ चाहे नून लीग के, इस तरह पंजाब और पाकिस्तान में नून लीग, पीपल्स पार्टी, पीटीआई और तमाम सियासी एएनपी और तमाम बाकी सियासी पार्टियां एमके एमपी के बला बला, ये सारी उस स्टेटस को की कोसाइनीज हैं। इनकी आपस की जो लड़ाई है उसको वोट को इज्जत बदो कह रहे हैं, उसको कुछ भी कह रहे हैं, वो लड़ाई निज़ाम को कैसे चलाना है और किसने चलाना पे है। आप इनमें से किसी को भी अवाम की लड़ाई लड़ते नहीं देखेंगे, ये मेरी आपकी लड़ाई नहीं लड़ रहे इस वक्त। और हम भी कहते हैं यार ठीक है, सियासत में एक ऐसा बंदूक बरदार जत्था आ गया जो बंदूक पे और खुदकुश धमाकों से फैसले करवाता है। 2013 के इलेक्शन में पीपल्स पार्टी और एएनपी को बाहर रखने के लिए खुदकुश बम्बार छोड़ देता है, पहले सियासत से बंदूकों वाले तो निकाले, बाकी से तो हम नहीं मट लेंगे फिर। सो यस, मरियम एक रेजिलियंस एक फाइट पुट कर रही है, लेकिन लॉन्ग टर्म में जब मैं अगर मरियम का एनालिसिस करता हूँ तो मुझे उसकी वो अवाम की लड़ाई, अवाम की डेप्थ नजर नहीं आती। वो वही स्टेटस को की अपहोल्डर है जिस स्टेटस को का अपहोल्डर इमरान खान है, चाहे नारे जो मर्जी मारे, जो जरदारी है, जो एएनपी है, जो रवायती पार्टियां हैं। और आपने इसलिए देखा कि ये सारी पार्टियां इकट्ठी हैं, जिस पार्टी से थोड़ा सा इनको खतरा होता है, जो जेन्युइनली एंटी स्टेटस को हो जाती है पार्टी, उसको ये दबा देते हैं, जैसे पीटीएम में, जैसे जेकेएलएफ है कश्मीर में। अच्छा, पीटीएम का जिक्र किया आपने, अच्छा किया कि आपने जिक्र किया, हम इस पे भी बात कर लेते हैं। पीटीएम का फ्यूचर क्या देखते हैं, और इस वक्त जो पीटीएम की हालिया क्यादत है उसके अंदर मंजूर पश्तीन साहब हो गए या अली वजीर साहब हो गए, मोहसिन दावर साहब हो गए, गिरफ्तारियां भी हुई, बेशुमार मामलात चल रहे हैं, आप क्या समझते हैं कि मुस्तकबिल में क्या ये पाकिस्तान की एक बड़ी सियासी जमात बन सकेगी या कोई तहरीक बन सकेगी जिस तरीके से ये उठी थी, क्या अपने मकासद में कामयाब होंगे ये लोग या होने दिया जाएगा इन्हें? हमारी ख्वाहिश ये है कि जिस तरह ये प्रेशर से और नौजवानों की एक एंटी स्टेटस को मूवमेंट उठी है जो स्टेटस को तोड़ना चाहती है, ये एक पॉलिटिकल पार्टी बने, और ये केपी के बलूचिस्तान से शुरू होते हुए ये हर जगह इनको सपोर्ट मिलेगी। लेकिन उनके अंदर के इख्तलाफात ही इतने हैं जो अभी तक तय नहीं कर सके कि हमने सिर्फ एहतजाज करने हैं या हमने सियासी पार्टी बनना है, और सियासी पार्टी नहीं बनेंगे तो ये ख़त्म हो जाएंगे, और सियासी पार्टी बनने के अपने मुजमरात हैं, लेकिन सियासी पार्टी बने बगैर ये ख़त्म, साल दो साल तीन साल लोग आपके साथ सड़कों पर आ जाएंगे, सारी ज़िंदगी लोग सड़कों पर नहीं आपके साथ आ सकते सारी जिंदगी। आपने जेकेएलएफ का जिक्र किया, इसी तरह से तो जेकेएलएफ तो पहले ही इन मसाइल का शिकार है। देखे ना, मसला हमेशा होता है, जेकेएलएफ एक बड़ी अच्छी मिसाल है, ठीक है, जेकेएलएफ के अकाबरीन इंडिया के साथ भी काम करते रहे, टूट के आईएसए के साथ भी काम करते रहे, फैक्शंस भी बनते रहे हैं, वो वही मिसाइल जो सारे जेकेएलएफ के साथ अगर आप पीछे मुड़ के देखना शुरू कर दें, ठीक है, वो सारे आपको आहिस्ता आहिस्ता पिटिया में आते हुए नजर आ रहे हैं। रियासतें अपनी साजिशें पार्टियों के अंदर करती हैं, पार्टियों को तोड़ती हैं, लोगों को तकसीम करती हैं, अपने बंदों को ऊपर लाती हैं, अपने बंदों को नीचे लाती हैं, सब कुछ चलता है, जो नहीं आता वो मार दिया जाता है। अच्छा, ये आपने जिक्र किया कि रियासतें पार्टियों को तोड़ती हैं, रियासतें या रियासतों के अंदर जो बस्ती हुई रियासत है वो नहीं, हम पाकिस्तान इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं। अब इंडिया में तो रियासत के अंदर बस्ती हुई रियासत ने ना किया, इंडिया की तो रियासत ने सब कुछ कश्मीर में किया, बेशक, नो, इसमें तो कोई शक नहीं है। और जो रियासत में बस्ती हुई रियासत है या रियासत के ऊपर एक रियासत है, वो रियासत का हिस्सा ही है एट द एंड ऑफ द डे। तो जब हम ये कहें कि रियासत कर रही है, तो मेरा नहीं ख्याल इसमें फर्क है। जैसे मैं ना हंसता होता हूँ, दोस्तों को मिसाल देता होता हूँ, 1971 वाले हाशिम कुरैशी वगैरह की, ठीक है, उतरे, फूल पहनाए गए, जहाज दिला दिया गया, फिर जेल कर दी गई, फिर उठे, फिर इंडिया जाके जेलें होंगे, तो ये रियासतें रियासतों की इत्तेहादी हैं। सो इनका मकसद एक ही है
और रियासत तो इनहेरेंटली एक टूल ऑफ ऑपरेशन है, हमारी मजबूरी है, हमें रखनी पड़ती है, हमने एक इंतज़ामी ढांचा बनाना है, इंतज़ामी ढांचा चलाना है, और वो इंतज़ामी ढांचा जितना जमहूरी होता जाए उतना अच्छा होता जाता है। इसीलिए जमहूरियत पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं, चाहे कोई कोई भी नारा मारे। मसला ये है कि एक ऐसा इंतज़ामी ढांचा ही ज़्यादा अच्छा है जो कि सब लोग मिल के चलाएं, जिसमें लोगों के मफादात का तहफ्फुज़ हो, और वो जमहूरियत अच्छा कहलाती है। अच्छा क्या आप ये नहीं समझते हैं, खैर मैं तो ये समझता हूँ कि इस वक्त जो पाकिस्तान में सिचुएशन है सियासी, ये मुशर्रफ साहब का जो फार्मूला था या मुशर्रफ साहब की जो आप कह लें कि पॉलिसीज थी वही चल रही हैं कि नवाज शरीफ साहब को आज भी बाहर रखा हुआ है और जो बाकी सियासी क्यादत है उसको भी जेरे अताब रखा हुआ है और कुछ मनपसंद लोगों को कह रहे हैं या हुकूमत में ले आए हैं या हुकूमत लाई गई है या बनाई गई है, क्या ये वही रविश नहीं अपनाई जा रही है जो मुशर्रफ साहब ने यार ये आपको? मुशरफ का नहीं फार्मूला, ये फौज का फार्मूला है। अयूब भी यही करता था, ज़िया भी यही करता था, गैर जमाती इंतखाबात, मर्जी के बंदे आगे लाना, मर्जी के बंदों को रोक। मुशरफ ने भी यही किया। लेकिन मुशर्रफ साहब के बाद कुछ ज्यादा नहीं हो गया? मैं समझता हूँ कि ज्यादा इसलिए हो गया कि मीडिया का दौर आ गया, सोशल मीडिया का दौर आ गया, हमें नजर ज्यादा आना शुरू हो गया, वरना जो बेचारा याद होगा पहले आपको, आपने वो मुशर्रफ साहब की एक स्पीच मैंने सुनी थी मुफ्ती अदनान काका खेल साहब के साथ, और मुफ्ती अदनान काका खेल साहब ने उनसे ये क्वेश्चन किया था कि ए जरनैल, ये जो कायदे आजम के पीछे तस्वीर तो लगी हुई है और ये तो इसे पूछती है कि तुझे तो हमने सरहदों का महाफिज बनाया था और तो यहाँ पे क्या कर रहा है इकतदार के में कैसे आया? फिर मुशर्रफ ने कहा था कि मैं ऐसी पॉलिसीज बना रहा हूँ कि आइंदा के बाद फौज इकतदार में नहीं आएगी। फौज वाकई इकतदार में नहीं आई लेकिन उनकी पॉलिसीज कुछ फौज ऐसी हैं कि देखे ना, फौज, फौज देखे ना, हाँ मैं ये कह रहा हूँ कि ये वो मेरा वो बार बार मैंने वो स्पीच सुनी है, कई बार सुनी है, उन सारी बातों में मुझे काम की बात वही लगी थी कि फौज सामने नहीं आई है लेकिन सामने मौजूद भी है। देखे ना, वही है ना कि दिखाई भी दे नहीं देते और काबिज भी है। ठीक है, मैं फिर खुल के तो इससे ज्यादा पंजाबी में होते, पंजाबी में तो बड़े बड़े मुहावरे होते हैं, लेकिन बात ये है तुसी कह दो कि पंजाबी च कह दो, असि तुहाडे नाल पंजाबी च गल कर लांगे कोई नहीं, लेकिन नहीं मसला ये हैगा ना कि उर्दू जबान जिहड़ी है नेशनल जबान हैगी ते इहदे विच बलूचिस्तान वाले भी समझ जाणगे, सिंधी भी समझ जाणगे, पठान भी, पश्तू वाले भी समझ लेकिन जाणगे। जो फार्मूला मुशरफ था, वो मुशरफ से पहले वही काकड़ का था, वही करामत का था, वही लड़ाई थी। हमने नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में बैठना है, हमने ऊपर बैठना है, हमने तुम लोगों के साथ बराबर बैठना है सीटों पे, हमने फैसला साजी करनी है। आजकल तो बराबर भी नहीं बैठते। नहीं, वो बराबर तो सिर्फ जुबानी कलामी है मेरा भाई, बराबर सच्ची में अच्छा थोड़ी है। अच्छा ठीक है, ठीक है, तो बराबर मसला ये होते तो है। फिर बराबर होते तो वो अक्सर जो है ना कुछ कार्टूनिस्ट जो है ना वो तस्वीरें बनाते हैं, एक तरफ डीएचए की कुछ और तस्वीर आ रही होती है और डीएचए से बाहर की जो दीवार है उसकी कुछ और तस्वीर आ रही होती है। तो अब खुद देखें ना कि इस मुल्क की फौज की तादाद 7 लाख है और अवाम की तादाद 22 करोड़ है। 22 करोड़ की लाइफस्टाइल, 22 करोड़ की मुराद एक तरफ और 7 लाख की एक तरफ। अच्छा 7 लाख की एक तरफ नहीं हो सकती सर, कुछ कह रहे हैं 7 लाख तो नहीं कहेंगे ना, वो जो फौजी जवान जो हमारे शहीद होते हैं मुल्क की सरहदों पे वाकई हिफाजत करते हैं, जो अपनी जानों का नजराना या अकीदत पेश करते हैं, जंग हो अमन हो, बड़े बड़े लोग हैं फौज के अंदर जिन्होंने मुल्क के लिए वाकई हकीकतन अपनी कुर्बानियां पेश की हैं, क्या ये सच नहीं है? दो चीज़ें, इंटरनेशनल बॉर्डर की हिफाजत की जिम्मेदारी वजारत दाखिला की है, वजारत खारजा की नहीं है। यही वजह है कि पंजाब और सिंध में, पंजाब और सिंध रेंजर्स हैं, बलोचिस्तान और केपी में एफसी है, ये वजारत दाखिला सरहदों की हिफाजत कर रही है, सिविलियंस कर रहे हैं। फौज सिर्फ जंग की सूरत में सरहद पर जा सकती है, फौज सिर्फ एलओसी पर है, फौज हमारी सरहदों की हिफाजत नहीं कर रही, ना ही इनकी आईनी जिम्मेदारी है और ना ही आलमी कवानीन इनको इजाजत देते हैं। इन्होंने हिफाजत तब करनी है जब जंग लगेगी, ये होगी पहली बात। दूसरी बात यह है, कोई भी एक फौजी का जरनैल जिसको हम फौज में भर्ती करते हैं, उसका हलफ आइन की हिफाजत का है, मुल्क के खिलाफ किसी भी किस्म होने वाली बगावत को नाकाम बनाना है और इंतजामी ढांचे को कायम रखना है। जब जंग नहीं हो रही और फौज जंग पे
सरहद पे नहीं जा सकती, फौज की जिम्मेदारी उसी जो हम उसको तनख्वाह दे रहे हैं उसके सिविल मामलात में हुकूमत की मदद करनी है, कहीं सैलाब आ गया, कहीं जलजला आ गया, पूरी दुनिया में ही होता है, हॉलैंड में भी यहाँ फौज आई हुई होती है, कोई एहसान नहीं करते हमारे ऊपर जैसे ये मार्केटिंग करते हैं। लेकिन जो चीज़ समझने की है कि जिस तरह ये पेश किया जाता है वो यार कुर्बानी देते हैं, एक ऐसा फौजी जो 2018 में मेरा इलेक्शन चोरी कर रहा था, ठीक है, 2019 में मेरे किसी सहाफ़ी किसी साथी को अगवा करके तशद्दुद कर रहा था, 2020 में वही कहीं LOC पे मारा गया, या वो कहीं फौज के बनाए दहशतगर्दों के हाथों मारा गया है, मैं तो उसे शहीद नहीं मानता, वो उस जुल्म के निज़ाम का हिस्सा है। जब तक कोई फौजी, जो फौजी मुशरफ के मार्शल्ला का हिस्सा बने, उसने हलफ की खिलाफ वर्जी करते हुए बागियों के ग्रोह का हिस्सा बनने का फैसला किया है, ना कि बगावत को नाकाम बनाने का। अगर तुम कमजोर हो तुम फौज छोड़ दो, लेकिन अगर तुम बाजवा मुशरफ या ज़िया मार्शल्ला का हिस्सा रहे हो, तुमने इलेक्शन चोरी किया है, तुमने पाकिस्तान के शहरियों को अगवा किया है, तुमने हमारे चीज़ों में दखल अंदाजी दी है, तुमने हमारे आइन को पांव तले रोंदा है, चाहे तुम सरहद पे मरो, चाहे तुम किसी इंडियन के हाथों मरो, चाहे तुम तालिबान के हाथों मरो, तुमने जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा जुर्म करते हुए गुजारा है, और एक दफ़ा आप नौकरी एक दिन अपनी करते हुए मारे भी गए हो, मैं तो उसको शहादत नहीं मानता। और दूसरी बात यह है कि देखें, मैं तो तनख्वाह देता हूँ, मैं से मुराद पाकिस्तानी अवाम, हम पुलिस को भी तनख्वाह देते हैं, वापडा वालों को भी देते हैं, फौजियों को भी देते हैं, पुलिस वाले भी पुलिस मुकाबलों में मरते हैं, उनकी भी कुर्बानी है, वापडा वाले भी रोज मरते हैं। जब आप तनख्वाह लेके काम कर रहे हैं, आपका मेरे ऊपर एहसान तो कोई नहीं है ना, या कौम के ऊपर कोई एहसान थोड़ी है, मैं तो नहीं। अच्छा ठीक, आपने जो भी बात की, आपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू सामने रखा, आपने मुशर्रफ साहब की बात की, तो मुशर्रफ साहब के हवाले से मेरे जहन में जो एक क्वेश्चन आया है कि आपने कहा कि मुशर्रफ साहब जब फौज में सॉरी इक्तदार में आए तो एक बगावत हुई दुआए, क्या नवाज शरीफ साहब का जो उस वक्त का इकदाम था, मुशर्रफ साहब जहाज में थे, श्रीलंका भेजे गए, फिर जो है ना एक ऐसे जर्नैल को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ किया तैनात करने की कोशिश की जो उस ओहदे के लिए अहल ही नहीं थे, तो क्या वो सारे इकदामात भी नवाज शरीफ साहब की तरफ से गलत नहीं थे? कैसे गलत, आप मुझे ये बताएं मेरा भाई, मेरी आवाज आ रही है आपको? मुझे लगता है आपकी आवाज गायब होगी। माजरत, एक दफा फिर इंटरनेट के इशू की वजह से लाइन डिस्कनेक्ट हो गई थी। अहमद वकास कराया साहब, मेरा आपने क्वेश्चन सुन लिया था कि मुशर्रफ साहब के इकदाम की जो जी प्लीज बताइए। अच्छा मुझे आप ये बताएं, जिसको आर्मी चीफ बनाया वो सीनियोरिटी के लिहाज से हर लिहाज से वो एलिजिबल था, ये किसने आर्मी चीफ लगना है, किसी सरकारी मुलाजिम को कब नौकरी से निकालना है, यो वो वजीर आजम की सवाबदीद है। नवाज शरीफ ने जो काम किया वो एक आईनी कदम था, और नवाज शरीफ को ये पता था कि ये बदमाश हैं, ये गन पॉइंट पे रोकने की कोशिश करेंगे, उसके जहाज को रोकना उसको इससे पहले कि कमांड हो जाए। ये नेट का इशू आ रहा है अभी, क्या आप सुन पा रहे हैं मुझे? मुझे आ रही है आवाज आपकी, थोड़ी थोड़ी आ रही है। लेकिन अहमद वकास के राया साहब, क्या आप लाइन पे मौजूद हैं? मैं मौजूद हूँ, आपकी आवाज कट जाती है। अहमद वकास गुराया साहब, क्या आप लाइन पे मौजूद हैं? जी, इस वक्त नाजरीन मेरे साथ अहमद वकास गुराया साहब हैं, बड़े मुख्तलिफ किस्म के क्वेश्चंस और आंसर्स हमें सुनने को मिल रहे हैं, दोबारा लाइन पे वो आ गए हैं। इस दफ़ा वाकई उनकी साइड पे प्रॉब्लम थी, हॉलैंड में भी नेट का इशू है सर, मान लीजिए। नहीं, मैंने रिफ्रेश इसलिए किया, आपकी आवाज़ आना बंद हो गई थी, अब ठीक आ रही है? जी बिल्कुल ठीक आ रही है। अच्छा आप बात कर रहे थे, प्लीज कंटिन्यू कीजिए। उस वक्त फौज ने एक नया आर्मी चीफ लगा दिया गया जो कि आइन के मुताबिक लगाया गया, और दूसरा फौज दूसरे आर्मी चीफ को रिटायर कर दिया गया। अब जहाज के अंदर ही नहीं यार, वो चाहे टॉयलेट में बैठा हो, रिटायर कर दिया तो रिटायर कर दिया, अब इसमें कोई, लेकिन जहाज तो उतरने देना चाहिए था। नहीं, जहाज तो उतरने देना चाहिए था ना, ठीक है ना, उसमें और मुसाफिर भी तो थे ना। हाँ, ये थोड़ी गलती थी, थोड़ी बहुत। देखना, जहाज को तबाह नहीं कर दिया, जहाज को उतरने से रोकने का मकसद वो जो मार्शल्ला का उसका प्लान था उसी को नाकाम बनाना था। अच्छा ठीक है, किसी की जान का ज्यादा ना हुआ था, ना होने का मकसद था, ना होने देना था। अच्छा, लेकिन आप ये देखें कि फौज की बदमाशी का आलम देखें कि फौज के जर्नैलों ने
फौज के ब्रिगेडियरों मेजरों ने अपने हाजिर सर्विस आर्मी चीफ को गिरफ्तार किया और अपने रिटायर्ड जर्नैल को ला के वहां पे नाफिज कर दिया। 7 लाख फौज ने इस बगावत का साथ देकर अगले 10 साल तक इस मुल्क पर कब्जा किए रखा। उनके पास उनका हलफ, उनकी जो हम तनख्वाह देते हैं, वो उस बगावत को रोकना था। उस वक्त मुशर्रफ को गिरफ्तार करना था, जियाउद्दीन को गिरफ्तार करना नहीं था। फौज ने, आप ये देखें कि 10 साल तक फौज एक रिटायर्ड जर्नैल को हमारे ऊपर मुसल्लत रखती है। पूरी फौज में से एक भी जर्नैल को गैरत नहीं आती कि हम इस मुजरिम को गिरफ्तार करें। आवाज आ रही मेरी? माजरा, इस वक्त नेट का इशू दोबारा हमें रिसर्व कर रहा है। मेरे साथ मौजूद हैं तो अहमद वकास कुराया साहब हॉलैंड से। जब हम उसका ट्रायल करने की कोशिश करते हैं तो पूरी फौज जो राहिल शरीफ के नीचे है उसको छुड़वा के ले जाती है, उसको जाकर ब्रिटिश जी हुकाम के पास। अच्छा, जी, आपकी आवाज आ रही है। अच्छा ये बताएं, आप इस वक्त एक हॉट इशू चल रहा है, क्या आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? आ रही आवाज अहमद वकास कुराया साहब, क्या जी, आ आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? रही है, बिल्कुल आ रही है। मेरे ख्याल में अहमद वकास गुराया साहब, आपकी साइट पे इंटरनेट का इशू आ रहा है, काइंडली अभी चेक कीजिए, क्योंकि हाँ अभी बेहतर है। ठीक है, आपकी साइट पे कोई इशू था ना नेट का? मेरे ख्याल में आपसे एक क्वेश्चन करूंगा, इस वक्त बहुत हॉट इशू चल रहा है पाकिस्तान और इसराइल के हवाले से, इसराइल को तस्लीम करने के हवाले से। आपके पास काफी सारी खबरें हैं, अक्सर आप इस बारे में ट्वीट्स भी करते हैं, तो आपका क्या ख्याल है कि मुस्तकबिल में पाकिस्तान मुत्तहिदा अरब अमारात की तरह का कोई इकदाम उठाएगा या बहरीन की तरह का? दो चीज़ें, असूली तौर पे मैं दो रियासती हल का हामी हूँ। मैं नहीं समझता कि उसके बगैर पाकिस्तान को उसके साथ ताल्लुकात बनाने चाहिए। दूसरी चीज़, फिलिस्तीन के मसले के हल के बगैर नहीं बनाने चाहिए। दूसरी चीज़ यह है कि दैट्स पाकिस्तान, दूसरी चीज़ यह है कि पाकिस्तान के जो एक्सपोर्ट है ना, किसी मुल्क के साथ ताल्लुकात से आपको कारोबार का फायदा पहुंचता है। सही। पाकिस्तान के पास ऐसा कुछ नहीं है, पाकिस्तान के पास पहले भी इतनी प्रोडक्ट नहीं है कि वो दुनिया में कहीं बेच सके। तो इसराइल के साथ ताल्लुक के साथ साथ करने से हमारी मईशत को बेहतर नहीं हो जानी, हमें एक्सपोर्ट करने के लिए एक और मार्केट नहीं मिल जानी। हमारे पास ऐसा कुछ नहीं है जो हम इसराइल भी बेच सकें। सो पाकिस्तान की आवाम को, हुकूमत पाकिस्तान को इन ताल्लुकात का कोई फायदा नहीं है। तो आप चाहते हैं कि जब तक एक मसले तो फिलिस्तीन हल ना नहीं होता, उस वक्त तक पाकिस्तान को अपने असूली मौकफ पर डटकर जो है ना मुकाबला करना चाहिए? बिल्कुल, अब सवाल अगला आता है कि पाकिस्तान, देखें एक प्रेशर है कि हम तुम्हारे साथ तब बैठेंगे जब फलस्तीनियों को उनका हक मिलेगा। सही। हम कश्मीर से लेके, बलोचों से लेके, कुर्दों से लेके फलस्तीनियों तक एक ही असूल के कायल हैं, आज़ादी, इंसानों का हक है। उन्होंने अपनी सरहद कैसे डिफाइन करनी है, उन्होंने अपनी ज़िंदगी किस कानून आइन के तहत गुजारनी है, ये इंसान तय करेंगे। अच्छा, आपने लेकिन जिक्र किया अब इसी आगे में आगे आ जिक्र रहा हूँ, जो इसराइल पे आगे आ रहा हूँ। मगर इसराइल से ताल्लुकात में किसी का मफाद है, पाकिस्तानी फौज का। क्या मुफाद? पाकिस्तानी फौज असला लेती है इसराइल से। इस टाइम आपकी फेसबुक, ट्विटर पे, व्हाट्सएप पे, आपके फोनों पे जासूसी करने के लिए जो सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करते हैं, पिगासस, एनएसओ ग्रुप का, पाकिस्तानी रियासत इसराइल से लेती है। एफआईए, पाकिस्तानी इदारे, आपके फोन क्रैक करने के लिए जो सॉफ्टवेयर लेते हैं, जिसको ये कहते हैं हमने फोरेंसिक के लिए भेजा है, सेलेब्राइट, इसराइल से लेते हैं। पाकिस्तानी फौज को मजीद इसराइली टेक्नोलॉजीज चाहिए। पाकिस्तानी फौज को ड्रोन्स चाहिए, सर्वेलेंस की चीज़ें चाहिए, जो कि पाकिस्तान को इसराइल की वजारत दिफा की इजाज़त के बगैर नहीं मिल सकती। वजारत दिफा के साथ लेने का मतलब है इसराइल के साथ ताल्लुकात कायम किया जाए। पाकिस्तान की फौज की मजबूरी है इसराइल के साथ ताल्लुकात बनाना, मेरी आपकी नहीं है।
अच्छा, आपने जिक्र किया कि पाकिस्तानी जो कंपनीज हैं या पाकिस्तान के दफाई इदारे, एफआईए का नाम लिया आपने, ये कुछ, अच्छा, ये कुछ सॉफ्टवेयर जो है पाकिस्तान इसराइल से लेता है, और आपने फिर जिक्र किया कि वजारत दफा से ये मंजूरी होनी चाहिए। मुझे ये बताइए कि जब वजारत दफा से मंजूरी होनी चाहिए, वहां की वजारत दफा से, शायद इसराइल की वजारत दफा से आपका कहने का मुराद है, तो फिर ये सॉफ्टवेयर कैसे ले रहा है पाकिस्तान? देखें, कुछ सॉफ्टवेयर कुछ ये कुछ टेक्नोलॉजी कंपनी से ले रहे हैं या कंपनी वहां की गवर्नमेंट से ले रहे देखें हैं? नहीं कंपनी से ले रहे हैं, कुछ कंपनीज एज ए प्राइवेट एंटिटी बेच सकती हैं, कुछ चीज़ें जो उससे भी अगले लेवल की हैं वो उन्होंने अपनी उससे मशरूत किए हुए हैं, क्या नाम है, हुकूमत की इजाज़त से। तो क्या ऐसी टेक्नोलॉजीज दुनिया के किसी और मुल्क के पास नहीं है जो इसराइल के पास है? एक सेकंड दीजिएगा। अच्छा नहीं है, सर्वेलेंस टेक्नोलॉजीज में जैसे इसराइल रूल कर रहा है, ठीक है, सऊदी अरब तक हमेशा से इसराइल से ले रहा है। जमाल खशोगी के कत्ल में इस्तेमाल हुई, इसराइल के सफारती ताल्लुकात नहीं थे, वही पिकासस इस्तेमाल हुआ, ठीक है, कुछ चीज़ों में उनका एज हासिल है उनको। तो क्या अपना वो ये तमाम चीजें जो पाकिस्तान चाहता है, तो ये मामला जो है इनको लेकर इसराइल पाकिस्तान पे दबाव डाल रहा है या अरब ममालिक पाकिस्तान पे दबाव? इसराइल नहीं डाल अरब रहा, ममालिक, अच्छा इसराइल जब नहीं पाकिस्तानी दबाव डाल रहा, फौज, इसराइल आप कह रहे हैं पाकिस्तानी फौज को चूंकि जरूरत है इसलिए पाकिस्तानी फौज चाहती है कि ये तल्लुकात हो, क्या ये वाला जो बात है इसमें कोई सदाकत हो सकती है कि अरब ममालिक भी पाकिस्तान पे दबाव डाल रहे हैं? यार अरब ममालिक क्यों दबाव डालेंगे, अरब ममालिक को क्या चाहिए, अरब ममालिक का क्या मुफाद है, मुझे तो उनका कोई मुफाद नजर नहीं आता। मुझे तो ये नजर आता है कि हमारे एक महकमे का मुफाद इस चीज से है कि इसराइल से ताल्लुकात नॉर्मल हो, हम अपने शहरियों के साथ के ऊपर बेहतर जासूसी कर सकें, उनकी बेहतर तरीके से बजाई जा सके। अच्छा, आप ये समझते हैं कि ये सिर्फ और मतलब मैं समझता हूं कि सिर्फ, अगर इस मौका पे पाकिस्तान किसी के साथ ताल्लुकात अगर बनते भी हैं तो हमारी लिटरेशन में इजाफा हो जाना है। अच्छा, आप के साथ चूंकि मेरा फर्स्ट इंटरव्यू और गपशप है या बातचीत हो रही है, मैंने आपके मुतालिक बीबीसी पे भी पढ़ा था, 2017 की जनवरी में शायद आप और आपके साथ चार और लोग उठाए गए थे कुछ उस वाक्य पे, कुछ उस वाक्य के मुतालिक आवाम को या पाकिस्तानी आवाम को कुछ आप आगाह करना चाहेंगे कि क्या हुआ था ये सारा सिलसिला? देखिए मैं 12 कह चुका हूँ, लेकिन जो एक सादा सी चीज़ है वो ये है कि हम एक पेज चलाते थे मोची, हम इन फौजियों का मजाक उड़ाते थे, और अगर आप फौज का मजाक उड़ाएं तो ये आपको अगवा भी कर लेते हैं, और फिर अगवा करके आपके ऊपर भैंसा डाल के आपको कुछ रसूल भी बना देते हैं। तो ये आप कहते हैं, ये जो चीज आपने एक्सेप्ट की कि आप वाकई मजाक उड़ाते थे पाकिस्तानी फौज का, लेकिन ये जो इल्जाम आप पे लगाया गया है नाउज बिल्ला तोहीन रिसालत का, ये गलत है, जिसे अदालत ने भी, जिसमें अदालत ने भी ये आपके हक में कहा है और फैसला आया कि ये दो वाकई दफा कह चुका शौकत हूं, शौकत सदीकी साहब जज थे हाई कोर्ट के, जिन्होंने ये कहा था कि नहीं, इनके खिलाफ ये सबूत नहीं मिल सके। बिल्कुल, और अभी रिसेंटली एक फैसला आया उसमें भी लिखा गया कि इन लोगों के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला, अभी कुछ लोगों को सजा दी गई है। तो देखे ना, यही तो बदमाशी है कि आप इन बदमाशों पर बोलें तो ये अल्लाह रसूल का नाम भी बेच देते हैं, अपने सियासी मकासद के लिए किसी के ऊपर तोहीन रिसालत के इल्ज़ाम लगाना अल्लाह रसूल का नाम बेचना है, ये बताते खुद एक गुस्ताखी रसूल तोहीन इस्लाम है। अभी आपके खिलाफ कुछ एक माह पहले शायद तकरीबन, या कुछ दिन पहले या कुछ हफ्ते पहले, इस्लामाबाद के अंदर एक मुकदमा भी थाना कुराल में जो है ना दर्ज हुआ है, तो उसके वो तो बारे हमारे में क्या देखिए कहते हैं? हमारे ऊपर मैं कहता होता हूँ कि सालाना एक तो लाजमी है, इससे अच्छा, पहले कि इन मुकदमात का क्या फायदा होगा जो लोग इस तरह से मुकदमात, आप हॉलैंड में बैठे हुए हैं, देखिए, उन मुकदमात का मकसद ये है कि कल को अगर हम पाकिस्तान आए, हम सियासत में आए, हम किसी काम में आए तो हमें पकड़ के जलील किया जा सके, जैसे डिस्पोजेबल मुकदमात लोगों में बना के रखे जाते हैं, कभी गद्दारी का मुकदमा कर दिया, कभी तोहीन का कर दिया, मेरे पर तोहीन मुकदमा किए झूठे साबित हो गए ब्लास्फेमी के, ठीक है। अब गद्दारी का मुकदमा मुकदमा आप देखे ना, जो इन्होंने 131 पीपीसी लगाई है कि वकास को गिरफ्तार करके फौज के हवाले किया जाए, फौज उसका ट्रायल करेगी, तो मतलब मुझे कुत्ते के बच्चों तुम्हारी जुरिसडिक्शन है, मैं फौज का मुलाजिम हूँ। अच्छा,
वैसे चले मैं आपसे क्वेश्चन करता हूँ, आपको पाकिस्तानी फौज से मोहब्बत तो होगी अगर आपका मुल्क है, मतलब नहीं, मुल्क से मोहब्बत का मतलब फौज से मोहब्बत पाकिस्तानी फौज, मैंने पाकिस्तानी फौज बोला है, उस नजरिए के तहत उस फौज से जो पाकिस्तान की सरहदों की हिफाजत करती है, उस फौज से जो पाकिस्तान की हिफाजत के लिए कायम की गई है, उस फौज से जो हकीकतन चाहे सैलाब हो, जैसे आपने खुद जिक्र किया है, चाहे जलजला हो, चाहे किसी भी मुश्किल में पाकिस्तान की आवाम के साथ खड़ी होती है, क्या मैं सारी की आपसे उल्टा सारी सवाल फौज? करता हूँ, मैं आपसे उल्टा सवाल करता हूँ, क्या आप ऐसे हाँ, ही उल्टा नहीं कीजिए, सीधा सवाल जो आप जो कीजिएगा। आपने सारे सारे जज्बाती बयानबाजी की, क्या आप इसी शिद्दत से वापडा वालों से प्यार करते हैं, पटवारियों से प्यार बिल्कुल करते करते हैं हैं, जी, जब पुलिस बिजली वालों चली भी से? जाती है तब भी हम वापडा से करते हैं, पुलिस से भी करते हैं, नहीं करेंगे तो मुकम्मल लाइट जो है ना आएगी नहीं। ठीक है, तो कहने का मकसद ये है कि हमारे मुलाजिम है, हमारे तनख्वाहदार मुलाजिम है, हमारे ऊपर वो नौकरी करके कोई एहसान नहीं कर रहे, सो बिल्कुल उनका एहसान नहीं है, बिल्कुल हम उनसे पाकिस्तान से मोहब्बत मोहब्बत करते हैं, करते हैं, पाकिस्तान के आवाम से मोहब्बत करता हूं, पाकिस्तान के आवाम से पाकिस्तान मोहब्बत एक करते जाबिर हैं। रियासत है, पाकिस्तान रियासते पाकिस्तान पाकिस्तान के आवाम के लिए एक दहशत की अलामत है, पाकिस्तान की मौजूदा शक्ल में, पाकिस्तान की मौजूदा दहशत में ये कहना कि मैं पाकिस्तान से प्यार करता हूं, मैं नहीं कहूंगा। आप किस किस्म के पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं? मैं उस पाकिस्तान से मोहब्बत करता हूँ जिसमें किसी से रंग, नस्ल, मजहब, कौमियत किसी बिना पर तफरीक ना की जाए, जिसके आइन में किसी को काफिर, किसी को मुसलमान, किसी को बरतर, किसी को कमतर करार ना दिया जाए, जिस आइन में लफ्ज़ अकलियत ना हो, जिसमें लोगों के पास ज़िंदगी अपनी मर्जी और आज़ादी से गुजारने का हक हो, जिसमें रियासत नाके पे मेरा मुंह ना सूंघे, रियासत मेरे घर में घुस के ना देखे मैं क्या कर रहा हूँ, रियासत ये तय ना करे मैंने क्या पहनना है, क्या पीना है, क्या खाना है, कैसे जिंदगी गुजारनी है, क्या किताब पढ़नी है, रियासत एक इंतजामी महकमा हो और वो इंतजामी महकमा हमारे आपस में रहने के मामलात के इंतजाम को चलाए, ना कि हमारे ऊपर डंडे से हमारा सुपरवाइजर लग जाए। लेकिन ये तो पूरी दुनिया में हो रहा है जी, चाइना में भी हो रहा है, अमेरिका में भी हो रहा तो है, आपने गलत है, देखा होगा वहां पे। तो गलत है, देखना अगर अगर अमरीका में हो रहा है तो ये सही तो नहीं है ना, ये नहीं, ठीक लेकिन तो नहीं हो रहा है, है ना, नहीं, इस चीज को तो आप तस्लीम करेंगे कि ये हो रहा है, तो ये कि आपने तो कहा हमारी लाइफ पाकिस्तान, के बारे में पाकिस्तान भी से हटकर भी तो पूरी दुनिया में यही हो रहा है ना। नहीं, तो अब पाकिस्तान तो हमारे चले अभी दे रहे हैं, चाइना में तो एक एक बंदे की तमाम निजी जिंदगी की जितनी मालूमात है इस वक्त, वहां पे 1 अरब 30 करोड़ से ज्यादा की आबादी है, तो चाइना भी तो यही कुछ कर रहा है। और पाकिस्तान ने तो कहा है, इमरान खान साहब भी कहते हैं, नवाशी साहब भी कहते हैं, जरदारी साहब भी कहते हैं, हम तो चाइना की तरह पाकिस्तान को बनाएंगे। तो देखे ना कि चाइना कर रहा है, अमेरिका कर रहा है, बर्तानिया कर रहा है, इंडिया कर रहा है, ये दलील तो नहीं है, नहीं, ये दलील नहीं है, लेकिन ये हो रहा लेकिन ये लाकानूनियत है, ये है, ये इंसानियत की लाकानूनियत अपनी है। तो सलबी है, आप ये नहीं, इंसानियत के चले खिलाफ इस जरायम पॉइंट है। पे, इसका मतलब आप इस पॉइंट पे एग्री करते हैं कि अगर ये पूरी दुनिया में कहीं पे भी हो रहा है तो ये गलत हो रहा है। बिल्कुल, उस पर कोई बात नहीं है, वो चाहे भारत में हो, चाहे अफगानिस्तान में हो, चाहे अमेरिका में हो, होगा। मैं आंसर आता यार पिछले दिनों कि जो अमेरिकी सेनेट में हुआ ना, मैं कह रहा था कि यार दिल बहुत खुश हुआ है, दिल बहुत खुश जैसे हुआ है। जैसे ये दूसरों का घर जलाते थे, आज इनका घर जल रहा है। आप मुझे तो कह बिन सकते लादेन हैं वही कि याद आते थे जैसे इन्होंने मुअम्मर कदाफी के साथ किया, हाय हाय क्या बात है, ठीक बिल्कुल है, कोई शक जैसे नहीं ठीक है, जैसे है, सद्दाम हुसैन के साथ किया, जैसे बेनगाजी में वहां मुअम्मर कदाफी के साथ किया, देखें इसका एक उस अमल को आप क्या कहते हैं, वो अच्छा था या गलत था? देखें सद्दाम, दो चीजें हैं ना इसमें लोग कंफ्यूज कर देते हैं, सद्दाम कोई हीरो जी, या इंसान का बच्चा नहीं है, वो लेकिन सद्दाम अपने ने मुल्क के इंसानियत लिए का जैसा मुजाहिदा भी किया, था, ठीक वो है, अपने मुल्क की कानून या अपने मुल्क की अदालतें उसको सजा देखें देती तो वो एक अलग बात थी। नहीं, उसको सजा अगर दुनिया ने भी उसका करना था तो जो इन्होंने किया, इनके पास इख्तियार नहीं है। आप मुझे ये बताएं कि सद्दाम मुजरिम है और उसी टाइम पे लाइक सद्दाम डिक्टेटर मुजरिम है और मुशरफ, इन मेरे मुंह से गाली गाली निकलने लगी थी, मुशरफ इन कंजरों के माँ का यार है, मुशरफ को ये जब जब ये एक डिक्टेटर सद्दाम को मार रहे थे तब एक डिक्टेटर डिक्टेटर मुशरफ का ये गोरे मुंह चूम रहे थे, यार ये तो बात गलत है ना कि आपके इलाके के दो डाकू हूं और मैं कहूं डाकू मुझे पसंद नहीं, एक डाकू की मैं चुनिया ले रहा हूं और एक को मैं मार रहा हूं, तो मफादात इसी को तो कहते हैं, उनके मफादात जब तक तो यहां पर थे तो वो तो मुशरफ फिर इन को यशियों चूमेंगे को ही ना, आगे हुआ इस जब तक मफादात थे तो उन्होंने पाकिस्तान में जियाल को भी बर्दाश्त किया, भुट्टो को भी बर्दाश्त किया, अय्यूब को भी लेकिन बर्दाश्त किया, जब नहीं आगे होते वो हैं तो फिर आदमी सबको वो सजा तो मिलती है, फिर वो सजा देते हैं।
चाहे उसमें उनका अपना सवीर क्यों ना मारा जाए। बात ये है, बात तो फिर वो हो गई ना कि जो अमेरिका ने किया वो फैसला किसी इंसानियत के मफाद, लोगों की आजादी या जमहूरियत के लिए नहीं था, वो उनके अपने मफादात के लिए था। तो इसका मतलब यह है कि अमेरिका खुद जो कहता है जमहूरियत का चैंपियन बनता है और कहता है कि मैं हम जमहूरी अमल को पसंद करते हैं, वो खुद जमहूरियत को पसंद नहीं करता, या वो जमहूरी जो अमल होता है उसमें एक बड़ी रुकावट है। सिर्फ अमेरिका नहीं, सारा मगरिब, अल सीसी यहाँ पे मुसलमानों के खिलाफ डायलॉग बाजी कर रहा है, और पिछले महीने उसने अल सीसी को इतना बड़ा अवार्ड दिया है, फ्रांस का सबसे बड़ा सिविलियन अवार्ड दिया है। नो डाउट नो डाउट, अलसीसी भी तो देखा जाए तो मुशर्रफ की तरह ही आया ठीक है ना, वही बात ना कि अल सीसी एक कसाई है। ठीक है। है, आप कहते हैं कि मुसलमान हमें बुरे लगते हैं, लेकिन मुसलमानों के कसाई हमें अच्छे लगते हैं। अच्छा, यही कसाई जब उनके लिए कसाई बन जाते हैं और उनको रगड़ा लगाते हैं तो फिर वो उनको सजा मिलती है। यही तो बात है ना कि ये जो है ये गंद है, ये हर हाल में गलत है। इसकी किसी सूरत में ये नहीं कहा जा सकता कि फलां ठीक। मैं तो कहता हूं कि देखें, 10,000 तरीके हैं सदाम को पकड़ने के। अब देखें, मिस्र के लोगों ने पकड़ा जाने तो हुआ दी, था उसको, लेकिन जो मिस्र के किया है लोगों ने वो जान बहुत। मिस्र के लोगों ने जाने दी तहरीर स्क्वायर पे, टैंकों के सामने लेटे तुर्की, तो कल की बात है ना, मिस्र के लोगों ने जाने बिल्कुल दी हुस्नी मुबारक को निकालने के लिए। नो डाउट, और जब इलेक्शन बन के हुकूमत आई, वो एक मौलवी आ गया, वो हमें पसंद है या ना पसंद है ये एक बिल्कुल अलग बहस है। सही बात उसको है। निकाल कर मुर्सी हुस्नी मुबारक का एक बेटा फिर हमारे ऊपर नाफज कर दिया गया। ठीक है, तो यही कोशिश अभी इन्होंने हाल में सूडान में की। अब लीबिया को इन्होंने एक तबाह हाल मुल्क बना दिया, माफिया रूल कर रहे हैं इन्होंने शाम के साथ जो किया। ठीक है, और इंसानियत शाम के के साथ चैंपियन, तो सबने मिलके किया ना। अच्छा देखना, इंसानियत के चैंपियनों की इंसानियत का आलम यह है, कोई ना कोई मगरबी मुल्क कश्मीर के लिए बोल देता है, कोई ना कोई मगरबी मुल्क फलस्तीन के लिए बोल देता है, कुर्दिस्तान के लिए भी बोल देता है। मैं दुनिया में एक ऐसा मुल्क नहीं जानता जो बलूचिस्तान के लिए बोले, क्योंकि पाकिस्तान इनकी डार्लिंग है इस वक्त। अच्छा, बलूचिस्तान के हवाले से आपने पहले भी बात की थी कि कश्मीर से लेके फलस्तीन, बलूचिस्तान और कुर्दिस्तान आपने नाम लिया। बलूचिस्तान तो पाकिस्तान का सूबा है, तो उसकी आज़ादी की बात तो मेरे नहीं, मैं तो इसे नामनासिब समझता हूँ। मैं कहता हूँ वो सूबा है, हाँ, उसके अवाम के जो हकूक सलब किए हुए हैं या उनके वहाँ के जो अवाम के हकूक देने चाहिए वो हमें देने चाहिए, लेकिन वहाँ पे आज़ादी की मेरे मूवमेंट और या इस तरह की आपके, कोई बात है। देखिए ना, मेरे और आपके दादा जब पैदा हुए थे उनके पास किस मुल्क का पासपोर्ट था? नहीं, इस वक्त की बात करेंगे ना, अब दादा की नहीं, बात करेंगे तो फिर पचास दादा से फिर दादा से बात करेंगे तो परदादा पर जाएगी, परदादा से जाएंगे तो पता नहीं कहाँ से कहाँ, तो फिर वो हम ये पूछेंगे जमीन पे हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पास कौन सा पासपोर्ट था, फिर वो बात वहां पे तो नहीं जा सकती ना। तो इस वक्त जो है मुल्क उसका वजूद जवाब में आते हैं, इस वक्त जो मुल्क वजूद में मौजूद है हमने उस पर बात करनी है ना। मैं उसी पे बात कर रहा हूं कि देखें, कल एक और मुल्क था, आज एक और मुल्क है, कल को एक और मुल्क होगा। मेरा घर यहीं पे रहना है, मेरा पासपोर्ट, मेरे पासपोर्ट का रंग, मेरा इंतजामी ढांचा बदल सकता है। बलूचिस्तान के लोग बलूचिस्तान के मालिक हैं, वो पाकिस्तान के साथ रहना चाहते हैं, वो आजाद मुल्क रहना चाहते हैं, वो कैसे रहना चाहते हैं ये बलूचिस्तान के लोगों ने तय करना है। बलूचिस्तान बलोचों का है, जैसे कश्मीर कश्मीरियों का है। पाकिस्तान का नक्शा बदल जाता है या रहता है, एक रहता है, ये मानी नहीं रखता। पाकिस्तान दूसरे तरीके से कहेंगे, पाकिस्तान कोई कंपनी नहीं है कि जिसके असासे हैं और जिसकी जायदाद की एक बाउंड्री डिफाइंड है और वो सारी जायदाद पाकिस्तान की हो, ऐसा नहीं है। पाकिस्तान लोगों का है, उन लोगों ने अपने इंतजामी सूबे बनाकर एक पाकिस्तान की फेडरेशन के नीचे इकट्ठे हुए हैं। अगर वो उस इंतजाम को एक डिफरेंट तरीके से करना चाहते हैं, ये उन लोगों को हक हासिल है कि क्या वो आप समझते हैं कि अक्सरियत बलूचिस्तान की ये चाहती है? मेरा नहीं ख्याल कि अक्सरियत ये चाहती है। अच्छा, मेरा समझना या समझना मान ही नहीं रखता। एक बड़ा सादा सा हल है, एक सियासी मसला है, बलोचिस्तान से फौज निकाल के बलोचिस्तान में आप इससे सवाबे राय करवा दें, जो बलोचिस्तान का फैसला होगा सबको मंजूर होगा। नहीं, इस तस्वाबे राय तो बहुत आगे का अमल है, पहले उनको हकूक दिया जाए जो उनका बुनियादी हक बनता है। देखना, हाँ, ये जो बहस है ना,
हकूक दिए जाएं, हु द फक इज पाकिस्तान टू गिव समवन राइट्स। लोग हकूक के साथ पैदा होते हैं, उनके हकूक गसब किए गए हैं, उनके हकूक गसब करना बंद किया जाए। ठीक है, गसब किए गए हैं, गसब तो किए गए हैं। अगर आप देखा जाए इस जो ग्लोबल विलेज है उसके अंदर पाकिस्तान के हकूक क्या गसब नहीं हुए हुए? दुनिया ने पाकिस्तान के हकूक भी तो गसब किए हुए। अब हम कहें कि अमेरिका ने पाकिस्तान के हकूक गसब किए, जाके अहमदाबाद के अंदर तो ओसामा बिन लादन मेहमान था हमारा, आके उसने मार दिया। हिंदुस्तान में हिंदुस्तान रोजाना कंट्रोल लाइन पे जो है क्रॉस फायरिंग करता है, गोलाबारी करता है, हम कहते हैं ताबड़तोड़ हमला वापस, वो हमने जवाब दे दिया और अब दुश्मन की गने हमने खामोश कर दी है, लेकिन ठीक 48 घंटे बाद या 72 घंटे बाद दोबारा ऐसा वाक्य हो जाता है, तो हमारे उस हकूक भी तो आज तक गसब हुए हैं। पूरे पाकिस्तान के हकूक तो गसब किए हुए। पाकिस्तान कोई फर्द नहीं है, पाकिस्तान के कोई बर्थ राइट्स नहीं है, पाकिस्तान एक रियासत है, एक इंतजामी ढांचा है, उस ढांचे के हम सायों रियासतों के साथ मफादात हैं, लड़ाइयाँ हैं। मैं अपने घर में अपने किसी हमसाये के साथ लड़ता हूँ वो एक बिल्कुल अलग चीज़ है। मेरे घर पे कब्जा करना, मेरे घर पे मेरी जमीन से निकलने वाले तेल गैस को ले जाना, मेरे बच्चे आज भी लकड़ियाँ जलाएं, मेरे घर से सोना निकले और मेरे बच्चों के पास पहनने के लिए जूता ना हो, ठीक है, मेरे इलाके में पक्की सड़क। ये सिर्फ बलूचिस्तान का मसला नहीं, ये तो पूरे पाकिस्तान का मसला सर। ना 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 ना, ना, ना गलत बात। मैं 2009 में मास्टर्स कर रहा था तो थीसिस लिख रहा था, मैंने रिसर्च करना शुरू किया, पता था मैं बलूचिस्तान का पहले 75% पॉपुलेशन ऑफ बलूचिस्तान, 75% बलूचिस्तान के लोगों ने पैदाइश से लेकर मौत तक कभी ये नहीं देखा कि स्कूल कैसा होता है, ये नहीं देखा हस्पताल कैसा होता है, उन्होंने अपनी जिंदगी में कभी डॉक्टर नहीं देखा। आसान जिंदगी है फिर तो, जिंदगी आसान है फिर तो, नहीं ना हंसने के लिए असी तो दवा भी देंदे हैं दुश्मन नु, तो या अल्लाह इनु थाना कचहरी ते इनु अस्पताल ना विखाई। नहीं देखिए, आपका बीमार हो जाए तो उसके इलाज के लिए अस्पताल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए, ये तो अलमिया है, ये सिर्फ पाकिस्तान। अच्छा मजे की बात आपने की, जहां बात की कि अस्पताल है, हमारे यहाँ अस्पताल है भी तो किस हालत में, ये भी तो एक बड़ा अलमिया है, ये भी तो एक अलमिया है ना, ये भी, ये देखें आप कैपिटल में पाकिस्तान का आप कह लें कि बड़े अस्पताल में से पिम्स हॉस्पिटल है, किसी मुल्क ने हमें वो बनाकर दे दिया, उसकी मेहरबानी, आज तक हम उसको नहीं सही सुधार सके, तो बाकी तो बहुत बलूचिस्तान कहाँ है, पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा कैसे संभालेंगे फिर उसे? देखें बहस तो हम हर टॉपिक पे करते जाएंगे, हम बोलते जाएंगे हमेशा, लेकिन बात ये है 1952 में गैस निकली बलूचिस्तान से, 4 साल के अंदर अंदर लाहौर गैस थी, 1982 में गैस क्वेटा पहुंची। अच्छा एक मैं इस फील्ड में थोड़ा सा अटैच रहा हूँ इस फील्ड के साथ, तो मैंने जो अरब में जो सबसे पहला कुआं खोदा गया अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 1932 में खोदा गया शायद, और वहां पर बहरीन में एक जगह है उसको फर्स्ट वेल कहा जाता है वहां पे, और मैंने बाद में जब तहकीक की तो पाकिस्तान में जब ब्रिटिश दौर था तो अटक के मकाम पे एक जगह है, वहां उसका नाम मुझे नहीं आ रहा है, बरल अटक के अंदर ही है, वहां पर 1932 से पहले वेल खोदा जा चुका था, और यहाँ पर अरब से पहले पाकिस्तान में जो है तेल की दरियाफ्त हो चुकी थी, मान लिया हो चुकी थी हमारे पास, लेकिन उतना नहीं अब हाँ वो है भी नहीं है सारा कुछ, लेकिन असल चीज ये है कि हमने उन तमाम वसाइल का या तो सही इस्तेमाल नहीं किया। गैस की आप देख लें, वहां पर सिलेंडर मिलता है पूरे अरब में, और यहाँ पर लाइन में हमने जो है ना वो मुहैया की हुई है अपने आवाम को, और जैसे कि आपने जिक्र किया कि हालांकि बलूचिस्तान में लाइन के जरिए पूरे पाकिस्तान में बलूचिस्तान की गैस है, लेकिन बलूचिस्तान में ना होना ये बहुत बड़ा जो है ना, यही मैं कह कि भाईजान मेरे घर से सोना निकलता है तो आपके पास एक ही तरीका है, बम मार के मेरा घर तबाह कर दो और सोने पर कब्जा कर लो। मेरे घर से गैस निकलती है, मेरा नाम अकबर भुगटी है, मुझे कत्ल कर दो और गैस चलनी चाहिए। तो भाई मैं आपको बम मार के क्यों करूंगा, मैं तो आपको दोस्त यार बना के मैं आपसे कहूंगा थोड़ा सोना मुझे दे दो, नहीं तो आधा तुम रख लो आधा आप रख लो। ये पॉलिसी भी तो हो सकती है ना, ये पॉलिसी भी तो हो सकती है ना, लादम थोड़ा ये कि बम मारा जाए। जितनी बलूचिस्तान से गैस निकली है, जितना वहां से तांबा और सोना निकला है, अगर बलूचिस्तान के लोगों को
एक फेयर शेयर जो उनका हक बनता है सिर्फ वही दिया गया होता तो बलूचिस्तान आज इस पूरे खित्ते का सबसे खुशहाल मुल्क होता, बरोनाई की तरह, दुबई की तरह, क्या ग्वादर, क्या क्या कुछ बनता। लेकिन वहां से मकसद लूट खसूट, घुमा के सारा कुछ पंजाब लेके आना और इस मुल्क की अशराफिया की जेब में भरना था। खैर पंजाब, आप खुद पंजाब से हैं, पंजाब की हालत के बारे में भी कोई खास मैं तो नहीं समझता कि बहुत बड़ी बेहतरी है, कुछ मेरा भाई शहरों को पंजाब छोड़ से के, चंद सुनो, शहरों को कुछ बहुत बिल्कुल। फर्क है, बहुत इतना फर्क है कि मैं इस्लामाबाद से 600 किलोमीटर दूर, लाहौर से 300 किलोमीटर के दूर गांव से हूँ, जो सरहद से शायद 40-50 किलोमीटर दूर हो, भारत की सरहद से, जो कि आबादकारों का इलाका है, जहां पे नहरें बना के बरतानवियों ने 40-40 स्तान को आबाद किया। उस इलाके में तालीम और सेहत की सहूलतें बलूचिस्तान के कैपिटल क्वेटा से भी बेहतर है। मेरे गांव, मेरे घर तक पक्की सड़क जाती है, मेरे बच्चों को दुनिया की हर किस्म की तालीम की सहूलत मौजूद है। क्वालिटी का फर्क हो सकता है, ठीक है, मेरे गांव में हाई स्पीड इंटरनेट मौजूद है, मैं व्हाट्सएप पे कॉल कर सकता हूँ। सही, बेसिक अच्छा फैसिलिटीज ये, मौजूद अच्छा है। सही, ये चले हमने पाकिस्तान के बारे में काफी सारी बात की। आप चूंकि हॉलैंड में मुकीम है, वहां पर आप क्या सोचते हैं कि ये जो अभी यूरोप की तरफ से, यूरोपीय यूनियन की एक वो डिस इन्फो लैब है, वहां की एक रिपोर्ट आई है जिसमें हिंदुस्तान की जानिब से पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपोगंडा किया जाता है, और ये राज जो है अफशा हुआ है, तो इसके बारे में आप क्या कहते हैं? क्या ये तमाम यूरोप में आप रह रहे हैं तो ज्यादा आप आगाही रखते हैं, तो इस देखिए, सारे हम सिलसिले पर कुछ रोशनी डालें। अगर हमसे कोई पूछे ना, हम जितनी एनजीओ का नाम उन्होंने लिखा है ना, हमें उनसे ज़्यादा का वैसे ही पता होगा जो इंडिया चला रहा है, ठीक है। रिपोर्ट ठीक है, उसमें कुछ टेक्निकल गलतियां हैं। मसलन अगर मैंने यूएन जाके बोलना है तो यूएन का सिस्टम, डिप्लोमेसी का सिस्टम ऐसा रोटन है कि मुझे वहां पे एक्रेडिशन लेने के लिए, मेरी एनजीओ मैं बना भी लूँ मुझे नहीं मिलेगी। मैंने किसी पानी, किसी नलके वाली एनजीओ से जाकर उसको 500 यूरो दे के वहाँ पर बोलना है, टाइम लेके। इन लोगों ने, ऐसे लोग जो ऐसी एनजीओ पे जाके बोले हैं, उनको भी उसमें रगड़ दिया, ठीक है। एक एनजीओ पैसे लेती है, उसको कभी पाकिस्तान इस्तेमाल करता है, कभी इंडिया करता है, कभी वकास करता है, तो वकास पाकिस्तान या इंडिया के नेटवर्क का हिस्सा नहीं है। बेसिक गलती, वेबसाइटें बनाई उन्होंने, सियासदानों पर पैसे लगाए उन्होंने, डिस इन्फॉर्मेशन फैलाई उन्होंने। हम किसी दिन बैठ जाएं, हम उतना ही बड़ा नेटवर्क आपको पाकिस्तान का भी दिखा देते हैं। दिस इज व्हाट दे आर डूइंग, दिस इज व्हाट दीज स्टेट्स आर डूइंग। पाकिस्तान के अगर आपके दोस्त जनेवा जाएं, वहां पे वो अहमद कुरैशी और वो कश्मीर की एनजीओज और वो ड्रामेबाजियां सारी, इन्होंने भी वैसी लगाई हुई हैं। ये जायज नहीं हो जाएगा, जायज फिर भी नहीं हो जाएगा। लेकिन कहने का मतलब ये है कि इंडिया ने किया, और उसमें हमारे भी दोस्तों की गलती है, हमारे दोस्त ना कहें, हमारे उन लोगों की गलती है जो बाहर लोगों के हकूक की लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन उन्होंने उन वेबसाइट्स को इंटरव्यू दिए, वो उन प्लेटफॉर्म्स पे जाके बैठे। जब पाकिस्तानी मीडिया कवरेज नहीं दे रहा तो इंडिया का ARY है ANI, बलोच, सिंधी, पश्तून, ने जाके उसको इंटरव्यू दिया। मैं सही, समझता हूँ नहीं देना चाहिए था, नहीं जाना चाहिए था, ठीक क्योंकि है। रियासतें हमारी, मैं इस चीज़ पे बहुत क्लियर हूँ कि दुनिया की कोई भी रियासत हमारी इतिहादी नहीं है। हमारे इतिहादी दुनिया के मुजाहमत पसंद हैं, मुजाहमत कार हैं, और मैं जेनवनली समझता हूँ कि अगर आज मैं इंडिया जाऊँ, मुझे इंडिया पकड़ के पाकिस्तान के हवाले कर देगा। इंडिया पाकिस्तान के कारोबारी मफादात एक वकास से बहुत ऊपर है, एक कश्मीरी से बहुत ऊपर है। सही, कश्मीर के बारे में भी आप अच्छी खासी मालूमात रखते हैं, और इस वक्त जो कश्मीर इशू है, यूरोपियन लोगों के साथ आप वहाँ पे मिलते हैं, उठते बैठते हैं, और आप क्या समझते हैं कि यूरोपीय लोग जो हैं, इस वक्त मैं हुकूमत की बात नहीं करूंगा, रियासतों की बात नहीं करूंगा, बल्कि यूरोपियंस के जो लोग हैं वहाँ के, यूरोप के रहने वाले जो लोग हैं, कश्मीर इशू पे उनकी क्या आगाही है और उनका क्या मौकफ है? देखिए, दो चीज़ें हैं उसमें। एक चीज़ ये है कि कश्मीर, उनको तो बेचारों को तो पाकिस्तान का भी नहीं पता पाकिस्तान का है, ठीक है। यूरोपियन मीडिया पे आपको रोज़ महीने में एक दफ़ा खबर कश्मीर की, पाकिस्तान की नहीं मिलेगी। ज़्यादातर लोगों को पता ही नहीं है पाकिस्तान कहाँ पे है। पॉलिटिकल लेवल पे पता है, लेकिन पॉलिटिकल लेवल पे वो एक इंसानी हकूक का मसला से ज़्यादा इंडिया पाकिस्तान के दरमियान फुटबॉल के नाम से जाना जाता है।
समझदार सियासतदान उसमें पढ़ने से भागते हैं, इंडिया पाकिस्तान के फैलाए हुए गंद की वजह से। ठीक ठीक, और देखें ना अभी पाकिस्तान की सियासत, हमारे पास यूरोप के सियासतदानों की तस्वीर मौजूद है जो पाकिस्तानियों के साथ वही गंद करते हैं जो इंडिया के साथ कुछ सियासत करते हैं। कहने का मतलब ये है, उसी के मिसाल देता हूँ, 2 साल पहले हम यूएन गए तो यूएन पहली दफ़ा एक रिपोर्ट लेके आ रहा था, इन्वेस्टिगेशन हुई और उन्होंने कहा कि जी कश्मीर में इंसानी हकूक की कार्रवाइयों पर कमीशन बनाया जाए। आपको शायद याद हो, आप कश्मीरी हैं, मुझे ज़्यादा बेहतर याद होगा, 2018 की बात है शायद, ठीक जब जब यूएन में वोटिंग की बात आई, इंडिया और पाकिस्तान ने मिलकर उसको थwart कर दिया, क्योंकि कश्मीर के दोनों तरफ कमीशन बनना था। कहाँ गई लड़ाई कश्मीर पे इनकी? तो मेरा भाई, ये कश्मीर दोनों ने अपनी बदमाशी, अपने तसल्लुत और अपने मुंह के लगे खून को जायज रखने के लिए कश्मीर पे छुरियां चलती रहेंगी। और इसीलिए मैं कहता हूँ कि कश्मीर कश्मीरियों का है ना, इंडिया का है ना पाकिस्तान का है, ये कश्मीरी फैसला करेंगे कि कश्मीर किसका है। लेकिन लेकिन ऐसा लग रहा है आर्टिकल 370 के बाद और गिलगित बल्तिस्तान के ऊपर जो पाकिस्तान चाहता है कि सूबा बन जाए, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये भुट्टो साहब वाला वो नारा जिस तरह याद आता है मुझे, इधर तुम इधर हम, तो हिंदुस्तान ने भी और पाकिस्तान ने भी कह दिया कि जो तेरे पास है वो तेरे पास है, जो मेरे पास है वो मेरे पास है। चाइना बीच में थोड़ा हाथ पांव वो तो फिर नारा मंसूख किया गया था, अब्बास सत्तर साहब इस पे माफी मांग चुके हैं, ये एक चीज। लेकिन ये जो कश्मीर के साथ ये करना अब्बास चाहते अत्तर हैं, साहब ने माफी मांगी तो जैसे वसीम हसन शाह ने भी तो माफी मांग ली थी, देखे ना, नहीं कहने का मतलब ये अब उन कि माफियों का हमने, क्या करना। नहीं माफी नहीं, अब्बास सत्तर साहब ये कह चुके हैं कि हमने गलत मंसूख किया। मिसाल देने का अच्छा मकसद, अच्छा बात हम जो कर रहे हैं वो ये है कि ये मुशर्रफ फार्मूला वो यही है कि इंडिया अपनी साइड का कश्मीर रख ले, पाकिस्तान अपनी साइड का रख ले, ठीक है। चीन क्या करेगा, और चीन भी तो बीच में घुस रहा है ना, घुस देखे ना, चुका है। चीन देखें, पाकिस्तान ने हल क्या निकाला है और इंडिया ने बैठ के जो ऊपर वो जो लद्दाख और वो सारी टेरिटरियां वो अलहदा कर दी गई कश्मीर से, गिलगित बल्तिस्तान अलहदा कर दिया गया, वादी अलहदा कर दी गई, वादी थोड़ी सी बड़ी कर लें, थोड़ा सा वादी हमारी तरफ है, थोड़ी सी उस तरफ है, ठीक है। ये दोनों इलाके ऐसे रहेंगे, इतनी छोटी सी LOC रखी जाएगी दोनों में, वाम तरफ की आवाम को चूतिया बना के रखने के लिए, इधर गिलगित बल्तिस्तान सूबा बन जाएगा, उधर यूनियन टेरिटरी चलेगी, और ये छोटा सा इलाका लोगों को चूतिया बना के रखने के लिए रखा जाएगा। ये तो आजाद कश्मीर की जो उस वक्त हमारे प्राइम मिनिस्टर नाम नहाद गुलाम प्राइम मिनिस्टर, मैं तो कहता हूँ आजाद रियासत के गुलाम प्राइम मिनिस्टर मैं कहता हूँ, राजा फारूक हैदर साहब, तो वो भी कह रहे हैं कि पाकिस्तान शायद आजाद कश्मीर को भी सूबा बनाने के चक्कर में या पाकिस्तान के साथ सम करने की पोजीशन, कोई इस तरह की अभी बातें भी नहीं, चल रही हैं कुछ अभी तो ये टाइम के है, बाद, कुछ वक्त के बाद। अभी तो ये है कि कश्मीर के दो हिस्से करके गिलगित बल्तिस्तान को सूबा बनाया जाए, कश्मीर को छोटा कर दिया जाए, गिलगित बल्तिस्तान का वो, कश्मीर का वो हिस्सा जहाँ पर टूरिज्म है, जहाँ पर पाकिस्तान के कारोबारी मफादात हैं, जहाँ पर CPEC है जो पाकिस्तान के लिए सिग्निफिकेंट है, जहाँ से चाइना के साथ बॉर्डर लगता है, उसको कश्मीर से अलग करके पाकिस्तान अपना हिस्सा बना ले। और आप ये देखें जहां जहां पे कि हाइड्रो प्रोजेक्ट्स हैं उनका क्या बनेगा, वो भी तो पाकिस्तान के पास ही रहेंगे। देखें ना, उसके बाद आप ये देखें कि इन चीजों के ऊपर नून छह लीग से 7 हजार मेगावाट बिजली इस वक्त भी नेशनल ग्रिड स्टेशन स्टेशन में आ रही है, सिस्टम में आ रही है, और हमारी टोटल डिमांड है 350 मेगावाट या 400 मेगावाट, वो भी नहीं मिलती बलूचिस्तान की तरह। देखे ना, बात यह है कि सारी पार्टियां, नून लीग, पीपल पार्टी, PTI मुत्तफिक हैं कि गिलगित बल्तिस्तान को सूबा बना लिया जाए। इसी में कहता हूँ कि इन पार्टियों के कॉस्मेटिक इख्तलाफात हैं, ठीक ये सारी मिली हुई नहीं है, यार। देखे ना, ब्रॉडर सेंस में सारे ये स्टेटस को का हिस्सा हैं इनमें। उसकी मैं क्लासिकल मिसाल देता हूँ, 399 नाम थे पनामा पेपर्स में, तीन नवाज शरीफ के बच्चे थे, 396 दूसरे थे, किसी के खिलाफ नवाज शरीफ ने मुकदमा नहीं किया, किसी के खिलाफ इमरान खान ने मुकदमा नहीं किया, हुकूमत तो उसी की थी। अच्छा मजे की बात है, हुकूमत भी नवाज शरीफ की थी, अब तो इमरान खान की है ना, इमरान खान तो एहतसाब कराने नहीं लगा जब था। आया था पानामा तो हुकूमत तो उसकी थी, मुकदमा तो उसे दर्ज करना चाहिए छोड़ देना, अब आ जाए, था मान लिया जी वो चोर थे, थे। तो वो तो फिर अगर अब आ जाए इस पे तो फिर बात वहां पे ही आ जाती है कि बीबी शहीद के कातिलों को 5 साल तो जरदारी सब भी रहे, उन्होंने भी पकड़ने की कोशिश की। यह देखे ना, बीबी शहीद के कातिल इतने ताकतवर हैं कि उनको पकड़ा नहीं जा सकता, खुद ही तो नहीं है, खुद ही है, लेकिन खुद ही से मुराद GHQ है। ABCDEF।
देखें, पाकिस्तान में कोई सियासतदान कानून से बालातर नहीं है। बीबी के कातिल कानून से बालातर तबका है, जो पाकिस्तान के आइन को पांव के नीचे मसलता है, जो कभी साहिवाल में लोगों को मारता है, कभी मॉडल टाउन में मारता है सियासी मकासद के लिए, और कभी जहाजों से लाशें बलूचिस्तान में फेंकता है, कभी कश्मीर के मार देता है। आप मुझे बताएं, आज आप खड़े हो जाएं, आप कह दें वो हमारा नौजवान मुदस्सर है, ब्रिटिश नेशनल है, उसने एक आजाद मुल्क कश्मीर से पाकिस्तान का झंडा उतारा है। तनवीर अहमद, तनवीर, तनवीर, सॉरी, तनवीर। तनवीर तो अहमद। देखें, खुद मुख्तारी आजादी की कोई भी बात करेगा, कोई भी उसे के ठोक देंगे पकड़ के, वो किसी की भी हुकूमत हो। अच्छा, आपका क्या ख्याल है कि इस वक्त अगर पाकिस्तान इसराइल को तस्लीम कर लेता है तो ये आप ज्यादा समझते हैं कि पाकिस्तान की फौज की मर्जी है और पाकिस्तान के अवाम की मर्जी नहीं है, तो मुस्तकबिल करीब में कुछ ऐसे चांसेस लग रहे हैं आपको कि ऐसा हो जाएगा? पाकिस्तान तो ये कोशिश कर रहा है कि जो फौज है, जो पाकिस्तान की कोशिश है वो ये है कि बगैर ताल्लुकात कायम किए, मुझे जो पता चला, पाकिस्तान ने प्रपोजल दिया कि आप किसी गैर मुल्की एम्बेसी में अपना बंदा बिठा दें, हम अपनी एम्बेसियों में इसराइल के लिए प्रोसेसिंग, वीज़ा प्रोसेसिंग का सेक्शन बना देंगे, हमको हल दरमियाना निकाल लेते हैं, हम आवाम के प्रेशर की वजह से पब्लिक में रिकगनाइज नहीं करेंगे लेकिन ताल्लुकात नॉर्मलाइज कर लेते हैं। तो उन्होंने कहा यार हमें नहीं ये चाहिए। नहीं, आपका क्या ख्याल है कि पाकिस्तानी अवाम कोई बहुत बड़ी इस सिलसिले में रुकावट बन जाएगी अगर पाकिस्तान इसराइल को तस्लीम कर लेता है? मेरा तो ख्याल है कि कुछ मजहबी तंजीमें कुछ अरसे के लिए शायद कुछ शोर मजहबी शराबा करें, लेकिन कुछ तंजीम, इतना बड़ा कुछ भी नहीं होगा। मेरा नहीं ख्याल, अगर जहां पाकिस्तान में इतने बड़े बड़े वाकयात हुए हैं, मैं तो मजहबी समझता हूँ प्लेट में तंजीमें रख के दे रोबोट, देंगे, मेरा भाई मजहबी तंजीमें रोबोट जहां हैं, मोड़ेंगे मुड़ जाएंगी। मजहबी तंजीमें रोबोट हैं। जब कश्मीर हवाले किया गया इंडिया के, तो सुकूते कश्मीर पर तमाम को कह दिया गया कि सड़क पर कोई बंदा नहीं निकलेगा, और पूरे पाकिस्तान में एक मौलवी भी सड़क पर नहीं निकला, कोई कश्मीर का मामला सही चर्चा है, नहीं। सही मसला है। मजहबी तंजीमें नहीं है, मसला पाकिस्तान आर्मी की जिहाद फैक्ट्री है। जिहाद फैक्ट्री खुली को हुई जवाब है इस वक्त, देने के खुली हुई है लिए बंद है? खुली हुई है जिहाद कहां पे हो फैक्ट्री, रहा है जहाद? तो कहीं पे भी नहीं हो रहा है, फिर वो तो चंदा करवा ही रहे हो हैं रहा होगा। अफगानिस्तान में भी, करवा रहे हैं वो अफगानिस्तान में जो तो ये जो पीस डायलॉग्स चल रहे हैं, वो तो बड़ा डायलॉग के करीब बाद करीब हो जाते कतले हैं। कतलेआम हुआ अफगानिस्तान में, रोज धमाके हो रहे हैं। देखिए, मकसद ये है कि आप जिहादी भर्ती के लिए इस्तेमाल करते हैं इसराइल फलस्तीन की आज़ादी, कश्मीर की आज़ादी। अगर आप इन चीज़ों से पीछे हट जाएंगे तो चेचनिया तो आजाद हो चुके हैं, हम तो चेचनिया को भी आजाद करा रहे होते हैं। तो बोस्निया को भी किसी जमाने में करवा रहे थे। लेकिन मकसद ये है कि फौज इस टाइम बैलेंस कर रही है, और फौज को इमीडिएटली कुछ चीज़ें चाहिए जो कि वो समझते हैं सबसे ज़रूरी हैं, और वो किसी तरह में ऐसे मिल जाते हैं जिहादी तो फैक्ट्री को भी ऐसे पाकिस्तान कर। किसी ऐसे मुल्क के जरिए भी तो ये डील्स कर सकता है, जैसे पाकिस्तान का बहुत करीबी ताल्लुकात है मुत्तहिदा अरब अमीरात के, तो पाकिस्तान उसके जरिए तो ये डील्स कर सकता है। देखें, पाकिस्तान पहले जितना इसराइल से ताल्लुकात रखता रहा, जितना कारोबार करता रहा, वो तुर्की कंपनियों के जरिए करता रहा। तो क्या अभी भी तुर्की को इस्तेमाल करें फिर? हो नहीं सकता ना, कुछ चीजें ऐसी हैं जो सिर्फ रियासत के दरमियान होती हैं। रियासत तो इमरान खान और तैयब एर्दोगान तो बहुत ज्यादा करीब है एक दूसरे के नहीं से। नहीं आप समझे नहीं है, आपको अगर अमेरिका F-16 जहाज बेचेगा वो आप दुनिया में किसी को नहीं बेच सकते। उनका तो खैर अपना भी रोला पड़ा हुआ है F-35 आप का। किसी को आज का भी बयान था तुर्की का कि अगर अमेरिका ने हमें F-35 ना दिए तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे हम, या देखें, इस तरह की बात। जो जो मसला है वो ये है कि जो रियासत के दरमियान ताल्लुक होता है, आप किसी प्राइवेट कंपनी के जरिए अमेरिका से F-16 नहीं खरीद सकते, आपने डायरेक्ट रियासत से डील करना है। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो इनको चाहिए, जो ये लेना चाहते हैं, शायद ले भी लें, तो खुफिया ताल्लुकात बना, खुफिया ताल्लुकात उनके हमेशा से हैं यार, इनके ऐसे ऐसे हम रोज़ देखते हैं, चीज़ें देखते हैं इनकी, हम तो वो इनके तो बहुत खैर नवाज शरीफ साहब के एक वजीर ने भी बताया कि मैं मुझे नवाज शरीफ साहब के कहने पे मैं होके आया था, फिर पिक्चर्स वगैरह भी आई। मेरा भाई नवाज शरीफ का इसराइल में कोई कारोबारी मफाद नहीं है। नवाज शरीफ को कोई जासूसी की टेक्नोलॉजी नहीं चाहिए, बेनजीर को कोई जासूसी की टेक्नोलॉजी नहीं चाहिए। वो चाहे नवाज शरीफ का वजीर जाए, चाहे इमरान खान का वजीर जाए, चाहे मुशरफ का वजीर जाए, चाहे बेनजीर का वजीर जाए, चाहे मेरा आपका सगा भाई जाए,
वो वहां फौज के कहने पे, फौज के कारोबारी मफादात, फौज के जासूसी के आलात, फौज के दफाई मफादात के लिए जा रहा है। अच्छा, ये जो आपने बात की ना दफाई मकासद के लिए और दफाई आलात के लिए, तो फौज अपनी स्ट्रेंथ सिर्फ दफा के लिए ये चीज करेगी या सिर्फ इसको किसी और नजरिए के तहत खरीदेगी? आप मुझे ये बताएं कि जो जासूसी के आलात हैं पाकिस्तानियों के, हमारे फ़ोन हैक किए जाते हैं, हमारे फ़ोन सुने जाते हैं, अभी तक जो पाकिस्तान खरीद रहा है ये तो हमारे ऊपर ही चला रहा है। मैं तो कहता हूँ कि इन कंजरा ने किसी ने एटम भी साढ़े पे चला देना है। वो छोटे छोटे एटम बम बनाए हुए ना शेख रशीद के बकौल, देखें, बकेट देखें, बहुत साइज। ज़्यादा पैसे की जरूरत पड़ी ना इनको, इनको बाहर के किसी मुल्क से मदद लेने की जरूरत पड़ी। आप देखें कि ये ऐसे उस्ताद हैं कि इन्होंने बुनेर तक तालिबान ला के बैठा दिए, ओए दुनिया हमें पैसा दे, असला दे, इमदाद दे, तालिबान इस्लामाबाद पहुंचने वाले हैं। कैसा दुनिया का चूतिया बना के इन्होंने लाखों डॉलर, मिलियंस ऑफ डॉलर, मिलियंस ऑफ डॉलर लिए। ठीक है, ऐसे कह रहे पहुंच हैं तो गए थे कि वैसे, आप पहुंच तो गए थे वैसे, पहुंच तो गए थे नहीं, अपारा में भी। हम नहीं अपारा में देखे, उन्होंने खुदकश धमाके किए इस्लामाबाद में। यकीन कीजिए, उन दिनों मैं पाकिस्तान में नहीं होता था। लाल मस्जिद का जब ऑपरेशन हुआ तो मैं पाकिस्तान में पहुंचा तकरीबन कोई एक हफ्ता पहले। तो उससे एक हफ्ता पहले वहां पे अपारा के अंदर जाना खुदकश हमला हुआ। अक्सर मैं उस जगह पे रहता था। यकीन कीजिए कि मेरे ख्वाब में भी खुदकश धमाके होते थे। मैं भी पाकिस्तानी था उन दिनों, लेकिन मेरा भाई बात यह है कि वो तो इनके अपने रोबोट हैं, जब चाहे जहां चाहे फाड़ दें। पाकिस्तान में सियासी जो मजहबी जमातें हैं उनका मुस्तकबिल क्या देखते हैं? मौलाना फजलुर रहमान की सियासत किस वक्त किस नजर से देखते हैं? देखें, फजलुर रहमान ने कभी इस मुल्क का वजीर आजम या सदर नहीं बनना, एक प्रेशर ग्रुप है। किसके ईमा पे ये सब कुछ हो रहा है? जब आपको बहुत ज्यादा मारा जाता है ना, आप खुद भी उठ के खड़े हो जाते हैं, जरूरी नहीं है किसी के ही माँ पे हो। आपको क्या ख्याल है, हकीकतन वो इस वक्त एंटी एस्टेब्लिशमेंट जो नजरिया या बयान दे रहे हैं या जो उनके इस वक्त आप कह लें कि स्ट्रगल है, वो वाकई एंटी एस्टेब्लिशमेंट जमहूरियत की छतरी तले है या कुछ जाती मुफादात हैं बस? मैं ये समझता हूं कि सियासी पार्टियां, तमाम पार्टियां एक चीज समझ चुकी हैं कि पाकिस्तान की ना मईशत चलेगी, ना पाकिस्तान चलेगा, ना यहाँ कानून की हुक्मरानी होगी, और ना ही हमें दुनिया में इज्जत मिलेगी जब तक हमने इस मुल्क से फौज का कब्जा ना छुड़वाया, जब तक फैसला साजी आवाम के नुमाइंदों ने ना की। मेरे अवाम के नुमाइंदे, ये तब्दीली सरकार को क्या आप अवाम के नुमाइंदे समझते हैं? किसको, तब्दीली सरकार, अगर हमने उनको वोट देकर हुकूमत बनाया तो वो नुमाइंदे हैं। तो क्या पाकिस्तानी अवाम ने वोट नहीं कास्ट की थी? अगर पाकिस्तानी आवाम ने वोट दिया होता तो आपको आरटीएस ना बिठाने पड़ते, फॉर्म 45 पे फौजियों को पांव के अंगूठों से अंगूठे ना लगाने पड़ते। लेकिन 126 दिन के धरने में लाखों से हजारों हजारों से सैकड़ों लोगों ने जो है ना जो शिरकत की थी और तब्दीली का जो नारा लगा था, तो वो भी तो कोई आखिर पैगाम था ना। इमरान खान की सीटें आज कल परसों जब भी इलेक्शन होता 25 सीटें थी। इमरान खान की सीटें 25 सीट, लेकिन बाकी लोग जो आए हैं वो भी तो इमरान खान के साथ ही है ना। नहीं, वो तो गन पॉइंट पे सीटें इमरान खान को लेकर दी गई ना। अच्छा, इसके सबूत क्यों नहीं आ रहे हैं सामने? क्या सबूत नहीं आए? हमारे पास इलेक्शन से पहले गन पॉइंट पर एमएनए को पार्टियां चेंज करवाई गई, टिकटें वापस करवाई गई, तहरीके लबैक एक नई पार्टी बनाई गई वोट तोड़ने के लिए, जीप की पार्टी बनाई गई, लोगों को इलेक्शन लड़ने से रोका गया। जब इलेक्शन हुआ तो उस रात को आरटीएस बिठा दिया गया, फॉर्म 45 पे हजारों हजारों फार्मों पे दो दो तीन तीन बंदों के साइन निकले। ये सारे सबूत ही हैं, और इसके अलावा क्या सबूत चाहिए आपको? इसके अलावा अच्छा, ये सारी चीजें जो मैं एक्चुअली वीडियो को आपसे, देखो, मैं इलेक्शन थोड़ा सा इसलिए मैंने ये क्वेश्चन भी कुछ इस अंदाज इसलिए किया था कि मैं आपसे सुनूंगा और फिर इस सारे मामले को अगले सवाल में मैं जो है ना लेके आऊंगा। क्या ये हमारे अदालती निजाम की नाकामी नहीं है कि एक हुकूमत जब आई थी पिछली, चाहे नवाज शरीफ साहब की थी, उस वक्त ये धांधली का शोर उठा, तो
अदालती जो हमारी इलेक्शन कमीशन को ले लें वो कमजोर इदारा साबित हो रहा है, और जो हमारी अदालती निजाम है मैं समझता हूँ कि ये सबसे फेल निजाम है। कमजोर इलेक्शन कमीशन कमजोर या नाकाम नहीं है मेरा भाई, बात यह है कि एक बंदूक बरदार जत्थे ने आपके हर महकमे हर इदारे को यरगमाल बनाया हुआ है। वो कहते हैं कि इमरान सादिक अमीन का फैसला दो, सादिक अमीन का फैसला आता है। वो कहते हैं जज को वीडियो बना के, उसकी कोई नंगी वीडियो बना के, कि जज साहब आपने नवाज शरीफ को नाहल करना है चाहे करप्शन पकड़ी जाए ना जाए। वो आरटीएस को बिठा देते हैं। तो ये एक मुजरमों का ग्रोह है। इस मुजरमों के इसलिए मैं अगर आप मेरा ट्विटर खोल के देखें मेरे ऊपर मकबूजा पाकिस्तान लिखा हुआ है। जब पाकिस्तान आजाद होगा आप देखेंगे यही इदारे जिनकी आप नाकामी कह रहे हैं ये खुद ही ठीक हो जाएंगे। अच्छा आपका क्या ख्याल है कब तक पाकिस्तान आजाद हो जाएगा? शायद हमारी जिंदगी में ना हो, शायद हमारी जिंदगी में ना हो, और शायद हो जाए। लेकिन ये उम्मीद है कि ये जो करंट मार्शल, लेकिन ये उम्मीद और ये यकीन तो है कि पाकिस्तान की जो आवाम है और कायदे आजम का जो पाकिस्तान है एक दिन वो लाजम तौर पे उभरेगा। मैं समझता हूँ कि कायदे आजम का पाकिस्तान पिछली सदी की चीज है, हमें एक जदीद जमहूरी पाकिस्तान चाहिए। जदीद जमहूरी पाकिस्तान से क्या मुराद, जैसे अमेरिका या चाइना है? कोई भी मुल्क हो सकता है, पाकिस्तान का अपना एक हो सकता है, जरूरी तो नहीं हमने किसी और जैसा बनना है। चाइना तो नहीं, लेकिन लेकिन हम तो हमेशा कॉपी करते हैं। नहीं, चाइना तो जमहूरी मुल्क, कहने का मतलब ये है कि हिंदुस्तान जमहूरी मुल्क है। मैं कहूंगा था, था कब तक? जब तक इंडिया के इमरान खान की इंडिया में हुकूमत नहीं आई, मोदी सरकार से पहले। यस, अच्छा मोदी को कामयाब सियासतदान समझते होंगे आप? और मेरे ख्याल में मैं तो समझता हूँ कि मोदी ने जो अचीवमेंट्स की हैं खास करके कश्मीर के इशू पर, मैं तो समझता हूँ कि उसने एक लिहाज से जो अपने मुल्क के लिए उसने किया वो अपने मुल्क के लिए तो उसने बेहतर किया ना, जो भी किया अपने मुल्क के हिसाब से तो उसने बेहतर किया। चाहे बेशक कश्मीरियों के साथ जुल्म हो रहा है, नहीं, सारा नहीं, कुछ हो रहा है, लेकिन उसने जो अपनी उसकी रियासत की पॉलिसी थी तो उस पर तो उसने अमल किया है ना? नहीं, उसने अपनी रियासत के माहदों से पीछे हटा, आर्टिकल 370 लेके आया, उसने सिटीजनशिप एक्ट चेंज किए, उसने अपने मुल्क में वहां के हिंदू शिदत पसंदी को हवा दी, उसने एक लेकिन वो चीजों को जिनका हुकूमत के ऊपर कब्जा हुआ और उन्होंने उस कब्जे के बाद उस पूरे मुल्क को जहन्नम बना दिया। जो सिर्फ कश्मीर में हो रहा था वो मुल्क के हर शहर में हो रहा है। हर वो शख्स जो डिफरेंट दिखता है, डिफरेंट मानता है, डिफरेंट सोचता है हुकूमती जमात से, वो कमतर है और वो इंडिया का दुश्मन है और वो गद्दार है। इंडिया को मोदी ने पाकिस्तान बना दिया है। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान का इंडिया में मोदी से अच्छा कोई यार नहीं है जिसने इंडिया को वैसे तबाह किया जिसको पाकिस्तान कभी तबाह नहीं कर सका। तो इस तनाजर में आप समझते हैं कि मोदी सरकार पाकिस्तान के लिए बेहतर साबित हुई है? यस, मैं समझता हूं कि जिस तरह का उसने वहां पर गंद घोल दिया है ये इंडिया के डिसइंटीग्रेशन को ज्यादा लाइकली बनाता है। मुस्तकबिल में इसे साफ करना काफी मुश्किल होगा। इतनी बड़ी रियासत को इकट्ठा रखना मुश्किल हो जाएगा। इतनी तकसीम का अमल शुरू हो चुका है, इसका मतलब यह है। और वो अमल जिसने शुरू किया है वो इंडिया का दोस्त तो नहीं है, कहीं हमारी ही नंबर वन तो शामिल नहीं है इस पूरे मामले में? हमारे नंबर वन वालों की इतनी औकात है, उनके घर से सामान उठा के ले जाते हैं आगे। तो वो उठा के ले जाते हैं या खुद हम दे देते हैं, ये भी तो हो सकता है। नहीं, खुद देने वाले जो होते हैं ना, ये अगर ये खुद देने वाले होते ना तो फिर वो जो कर्नल है ना, क्या नाम है उसको, मुझे नाम भूल जाता है, बूथ नहीं कहेगा, वो जो अमरीका वाला है,
वही इससे कि मुलाजम जाके अमेरिकन एम्बेसी जाके फ्रॉड से निकल के इनाम ना कबूल करता है, चंद और जो लेकिन पैसे जरूर, देते। लेकिन वो मैंने मालूम नहीं किस जर्नल की किताब पढ़ी थी या किसी अमेरिकन की पढ़ी थी, जिसमें उसने शायद ओबामा की थी शायद, जिसमें उसने कहा कि मुझे ये तवक्को थी कि मैं जरदारी को फोन करूंगा तो जरदारी साहब जो है ना सख्त रिएक्शन करेंगे उसामा, लेकिन जरदारी साहब ने कहा नहीं, ये तो बहुत अच्छी बात है और ये तो बहुत गुड न्यूज है हमारे लिए, शायद ओबामा की ये स्टेटमेंट थी। हाँ तो क्या गलत कहा जरदारी ने? नहीं तो बात वही है ना कि फिर मैं तो यही समझूंगा कि अगर फौज ने नहीं किया, उन्होंने आके मारा, तो फिर हमारे सियासतदानों ने कम अज कम मेहमान नवाजी का तो थोड़ा सा रखना चाहिए था भरम। अफगानिस्तान देखें वो हमारे यहाँ ने रखा ना मेहमान हमारे नवाजी की फौज ना, ने, अफगानिस्तान ने तो मेहमान नवाजी की ना, तालिबान ने तो मेहमान नवाजी की ना, देखें ये तो मानेगा। हमारी फौज तो बहुत मेहमान नवाज है। एहसान उल्ला एहसान को दामाद बना के रखा ना, एहसान उल्ला एहसान को तो वाकई रखा, लेकिन कहाँ है उसकी कोई खबर? मेरे तुर्की ख्याल में में, वो, मेरे ख्याल में वो फ्रांस में है। फ्रांस में है, तो फ्रांस में भी तो पाकिस्तान का एक मतलूब दहशतगर्द मेहमान रखा हुआ है फिर। फ्रांस को पता ही नहीं होगा वो कौन है, उनकी मौत ऐसा कर कैसे चुके हैं। पॉसिबल, बिल्कुल ऐसा पॉसिबल, कैसे पॉसिबल? आप आज फ्रांस आ जाएं, आप जिस मर्जी नाम से आके यहाँ आके सारे अप्लाई करते हैं, किसी का बाप भी नहीं ट्रैक कर सकता आपका नाम क्या है, नहीं, आपका पता क्या। मैं तो एक दफा गया था, तो खैर ओरिजिनल लेटर से ही गया था। नहीं, कहने का मतलब ये है कि ये रियासतें पाकिस्तान की जिम्मेदारी है उसके फिंगरप्रिंट दुनिया की तमाम रियासतों में भेजना, उन रियासतों को बताना कि ये इंसानियत का दुश्मन तुम्हारे मुल्क में आ गया है, मगर रियासत पाकिस्तान ने ऐसा नहीं किया। पाकिस्तान नवाज शरीफ को लंदन से लाने में इंटरेस्टेड है, पाकिस्तान उसको लाने ला में पाएगा इंटरेस्टेड। क्या रियासत पाकिस्तान नवाज शरीफ साहब को लंदन से वापस ला पाएगी, या वो आएंगे, क्या वो जैसे आएंगे इस तब्दीली? जैसे हुसैन हकानी को ले आए वैसे नवाज शरीफ को ले आएंगे। हुसैन हकानी साहब को लाना, तो वो खैर लाना कि मैं वो ऐसा कोई कोशिश ही नहीं की मेरा ख्याल में, और ना ही लाएंगे। मैं तो कह नहीं, वो तो बढ़कर तो बड़ी मारी जाती है, लेकिन आलमी कवानीन पाकिस्तान का आइन के ताबे नहीं है। सही, चले आज आपसे काफी गुफ्तगू हुई, और देखते हैं इस गुफ्तगू का रिजल्ट क्या निकलती है आवाम, गाला ही और पड़ेगा मुझे गालें, चले उम्मीद है कि गालें नहीं निकालनी चाहिए। हमारी कोशिश होती है, देखिए मुझ जैसे किसी भी शख्स की, के इस तरह की गुफ्तगू से हकायक को सामने लाया जाए, सवाल किया जाए और जवाब को सुना जाए, ताकि वही जवाब हमारे जैसे जेके टीवी के इस प्रोग्राम के जरिए मैंने आपसे बहुत सारे सवाल किए, और ये मेरा हक बनता था कि मैं आपसे सवाल करूं अगर मैंने आपको प्रोग्राम में मदद की, और आपका हक बनता था कि आप अपने नजरिए से, अपने सोच के मुताबिक, अपने फिक्र और मुशाहदात के मुताबिक जवाब दें, आपने उसी तरीके से दिए। अब ये मेरा जो लोगों के पूरा का ऊपर पूरा का मुनहसर एक्सपीरियंस है, आए, लोगों पर मुनहसर है कि वो अपनी किस तरह से उस जवाब को समझते हैं, ये भी एक बड़ी चीज होती है। ये आप किस अंदाज में जवाब देते हैं और अगला किस अंदाज में उस जवाब को समझता है, मैंने किस अंदाज में सवाल किया है और अगले दूसरे जिस शख्स ने हमारी इस पूरी गुफ्तगू को सुना है उसने क्या समझा है, ये उसकी अपनी समझ पे है। बिल्कुल। तो देखिए उम्मीद है जब मैंने कि आपको कहा था कि आप जो मर्जी सवाल पूछें, मेरी तरफ से मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा ये सवाल नहीं पूछना, मैं जवाब अपनी मर्जी का दूंगा, आप अपनी मर्जी का सवाल करेंगे। और मैंने भी कोशिश यही की है कि आपके किसी भी जवाब से अगर मैं मुतफिक हूं या नहीं हूं, वो आपका जवाब है, और अगर मैं मुतफिक नहीं हूं, मैंने सिर्फ अपने इस प्रोग्राम की वसादत से सिर्फ सवाल रखे गए हैं, ठीक है। अब जवाब से मुतफिक होना ना होना ये एक अलग बात है, और लोगों को अगर इस आपके जवाब से इतफाक नहीं है तो वो अपनी राय का इजहार कमेंट्स में भी करेंगे, और जिस अंदाज में भी वो वीडियोस बनाएं, कुछ भी करें, वो करते रहें। हमारा काम था सवाल करना, आपका काम था जवाब देना। बिल्कुल सर जी, जरूर, बहुत शुक्रिया। तो मैं आपका जेके टीवी के प्लेटफॉर्म से प्रोग्राम सच की तलाश में शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने अपना टाइम दिया, और सुनने वाले नाजरीन के लिए यही कहूंगा कि आप कमेंट्स के अंदर जो है ना, मुस्तकबिल में अगर कोई सवालात हैं तो वो रखिए, हम अगले प्रोग्राम के अंदर अहमद वकास बुराया साहब से आपके सवालात भी रखे जाएंगे, और फिर नेक्स्ट नशिस्त में अहमद वकास बुराया साहब, उम्मीद है कि आपके साथ मजीद बातचीत भी होगी। इस वक्त तक आपके लिए मैं सिर्फ शुक्रिया का लफ्ज़ अदा
अदा करूंगा और दुआ दूंगा कि आप सलामत रहें और पाकिस्तान के साथ आप मोहब्बत करें, और ये भी दुआ करता हूं कि पाकिस्तानी फौज के लिए आप पाकिस्तानी पाक फौज जिंदाबाद का नारा लगाएं। मुस्तकबिल अभी नहीं लगाते तो मुस्तकबिल में जरूर लगाएं, ये मेरी ख्वाहिश होगी। नहीं, लेकिन पाकिस्तान की फौज पाकिस्तान का आईन मान ले, पाकिस्तान के ऊपर से कब्जा छोड़ दे, हम जिंदाबाद का नारा लगा देंगे। हमारी दुआ है कि ये तमाम चीजें जो है ना जल्द हमारी ख्वाहिशात के मुताबिक पूरी हो। बिल्कुल, थैंक यू। थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका नवाजिश। अगले किसी प्रोग्राम में आपके साथ गपशप होगी, उस वक्त तक के लिए इजाजत दीजिए। आपका मेजबान महताब अकरम।